9, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पूजनीय मातृशक्ति देवी और आज़ाद भारतीय आत्माओं, आज बहुत सुंदर समय है कि हम उस पॉइंट के ऊपर सोचना और विचारना चाहते हैं कि आदमी का बच्चा क्यों तड़प रहा है। 84 लाख जीव सब सुखी है, तो क्या कारण है? कब से आदमी का बच्चा इंसान तड़प रहा है? कई मिलियन साल से, और तड़पता रहा है, तड़पता है और तड़पता रहेगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि सारे जीव सुखी हैं, कोई अस्पताल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं उनका, एज इट इज खरबों सालों से चल रहे हैं, चलते रहेंगे, ना उनमें खामी आएगी, ना उनमें कोई रोग आएगा, क्योंकि रोग कोई है नहीं। संसार में अभी तक रोग पैदा ही नहीं हुआ है, न था न है न होगा। मैं वर्ल्ड के डॉक्टरों को, वर्ल्ड के ज्योतिषियों को चैलेंज दिया करता हूं कि एक बीमारी दिखा दो, एक। इस समय 5,000 बीमारियों के लगभग नाम रखे गए हैं, तो मैं तो एक ही बीमारी को ढूंढ रहा हूं। सारा संसार में पैदल छान दिया, घूम रहा हूं 40 साल से, 58 से चल रहा हूं, अब 99 आ गया है। अभी तक मुझे संसार में एक बीमारी नजर नहीं आई, क्योंकि न थी न है न होगी। हुआ क्या है? कोई भी ज्योतिषी नहीं बताता मेरे हाथ में क्या है। वर्ल्ड के ज्योतिष फेल हो चुके हैं कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने एक छोटी सी माला हथेली पे रख दी है। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, योगी, मुनि, तपस्वी एक बीमारी निकाल कर टेबल पर रख दे तो आप मेरा सर कलम कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी नहीं है, न थी न है न होगी। कोई समस्या नहीं संसार में है, खाली अमावस्या की रात है। अज्ञानता वश हम भाग रहे हैं अस्पतालों के, अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अंधा बच्चा पैदा हो गया तो अंधविद्यालय खोल रहे हैं, बहरा तो बहरों का, गूंगा तो गूंगों का, विकलांग है तो विकलांगों के अस्पताल। क्यों, कहां से, कैसे हो रहे हैं, किस कारण हो रहा है? एक जानवर संसार के अंदर दुखी नहीं है, हम ही दुखी है, इसका कारण क्या है? तो आओ आज हम इस मसले का हल करें, इस समस्या का हल करें। एक अंधा बच्चा पैदा हो गया है तो उसके ऊपर डॉक्टर, वैद्य, हकीम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, योगी इज द सेकंड गॉड, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ब्लाइंड इज ए ब्लाइंड, वी कैन नॉट गिव द आईज, वी कैन नॉट गिव द लाइट। हाउ वी कैन ए न्यू वर्ल्ड, न्यू जनरेशन, ए न्यू रोड, ए न्यू डेवलपमेंट, एंड वट इज दिस डेवलपमेंट वट आई अंडरस्टैंड। यू कैन ऑल्सो लिसन एंड प्रैक्टिस एंड रिसर्च ऑल्सो लाइक मी। 70 years इज गॉन, आई एम राउंड द वर्ल्ड, इंडिया, ऑल द टेम्पल, ऑल द मास्टर, ऑल द योगा सेंटर, नॉट वन इज इन द राइट डायग्नोज। यू फर्स्ट रिसर्च वट योगा इज, राजा योगा, हठ योगा, मंत्र योगा, तंत्र योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, क्रिया योगा, अग्नि योगा, भक्ति योगा, शक्ति योगा, त्राटक योगा, बिंदु योगा, कुंडलनी योगा। सो मैनी योगीज हैव ए डेवलपमेंट रिसर्च, मैनी मैनी डिफरेंट योगा, बट टुडे द प्रेजेंट मोमेंट दिस नॉट एनी वन योगा कैन हेल्प द आवर फ्यूचर एंड आवर चिल्ड्रन। वाई? कंप्यूटराइज टाइम, the children have only learned from the television, and from there all the education going on, everything is going on very quick. How you can sit in the lotus 8 hours?
The time is a gun. Time is running and man is cunning. How we can make our children at least 100, 200, 300, 400 years they can live? I have the research. I show you. I explain you. I teach you. Come on. How this earth is a development. How the whole universe going on. Behind the story is a balance. How to balance? Where is gone the human balance? Not one doctor where a master think of this question. Everything is the unbalance of the human body, mind, inside, outside, anything, development going on. We are helping the blind people. But where the blind people come? How the deaf children are born? How the viklang? No arm, no legs. This is all the medicine, eating too much. Experiment in every human body is going on. You try your best to listen of me. Just now the behind the story is your spinal cord, nothing else. Come on, I show you. I can only believe of the medical point of view, health point of view, human point of view, nature point of view, animal point of view, nothing else. No one can help the future of world. Come on. I just diagnose, then I have a research, then I have a solution. So what is the solution? Very simple, very easy. Many, many years I sit on the sea. See, in the sea, in the river, have many animals. They have no anything. Shops or guns or bomb or Pakistan, Dukhistan, Ragadistan, Jagadistan, Hindustan. Where is that? How the animal live there? How they get the food? They don't need too much food. Why? They have 2 and 3 point own development. And this development is the only the water animal doing, the spinal cord moving. And sleeping on the stomach. The heart is down. The heart heat go up and the spinal cord, the 7 disc, the German they call Bandscheiben, become hot. And this heat, they make how to balance from the head to the tail. Just only moving the spinal cord. Jab reed ki haddi ko ghumate hain aur pet ke bal so jate hain. सारा इलाज हर चीज का कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है उनके पास. और दो किस्म के जानवर हैं, दो रोड हैं. एक मांस खाने वाला क्रोकोडाइल, वो भी शरीर की हड्डी को हिलाता है, पेट के बल सो जाता है. और एक वेलमिच, वेल फिश, मछली, जो सबसे बड़ा जानवर इस समय धरती के ऊपर है. वेल मछली रीढ़ की हड्डी को हिलाती है और सारा घास समुंदर का साफ करती है. उसके दांत नहीं है, कांटे हैं, वाछे हैं, वो सारे घास को सफा करती है. करोड़ों अरबों खरबों सालों से वेल मछली अपना सफा कर रही है और समुंदर भी अपना एक एक्सरसाइज करता है. वो भी इस पूरे रीढ़ की हड्डी को, पूरे पानी को, समुंदर को हिलाता है. हिलाते हिलाते एक्सरसाइज, हरकत में बरकत है. समुंदर भी हिलता है, वेल मछली भी हिलती है, स्पाइनल कार्ड हिलता है, क्रोकोडाइल भी हिलता है, मगरमच्छ भी, जितने भी जानवर पानी के अंदर हैं सब ये एक्सरसाइज करते हैं और पेट के बल सो जाते हैं. फिनिश. कोई दुकानदारी नहीं है, कोई आग नहीं जलाता है, कोई आग का पका नहीं खाता है, कोई मिठाई हलवाई नाई कसाई कोई नहीं है वहाँ पर. खाली रीढ़ की हड्डी को हिलाना, पेट के बल सो जाना, फिनिश. तो पानी के अंदर आज इंसान उसको गंदा कर रहा है, समुंदर को. फैक्ट्रियों के तेल और गंदी गंदी चीजें, पॉइजन डाल डाल के लाखों जीव मर रहे हैं. कभी आदमी सोचता ही नहीं है कि क्यों ये इतना नुकसान कर रहा है नेचर का. तो आओ नंबर 2, धरती के अंदर चलते हैं. सांप, केचुए, मलप. सांप मीट खाता है, जो मर जाता है जानवर धरती के अंदर,
उसको खाकर सफा करता है। और केचवे मलाप जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, राइट लेफ्ट एंड सेंटर सिंपैथेटिक नर्व्स, लेफ्ट साइड इज अ चंद्र स्वर पिंगला ठंडक और राइट साइड इज सन वार्म हीटेड एंड मूविंग द स्पाइनल कॉर्ड, मूविंग द थ्री नर्व्स एंड स्लीपिंग ऑन द स्टमक। Under the earth also have no any hospital, no patient, nothing. They are just going on. The third world is air, eagle, gid, and pigeon, vegetarian and meat eater, two rode in the air. They are also moving the spinal cord and then the wings, the pankh hilate hain. जब डबल एक्सरसाइज रीढ़ की हड्डी को मिलती है तो हवा में उड़ते हैं, अगर पंख काट दो तो उड़ नहीं सकते हैं, और वो पेड़ पर भी पेट के बल सोते हैं। तो तीन दुनिया खत्म हो गई और सब सुखी हैं। बंद करें, दुनिया रीढ़ की हड्डी को हिलाती है, मट्टी के अंदर की दुनिया रीढ़ की हड्डी को हिलाती है, पेट के बल सो जाती है, हवा की दुनिया पंछी मांस खाने वाला घास खाने वाला वो भी इस रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं और पेट के बल पेड़ों पर सो जाते हैं। मांस खाने वाला और घास खाने वाले दो ही मिलेंगे, कुदरत ने ये दो रोड बनाए हैं। तो मांस खाने वाला सांप, कोई जीव मर जाता है तो उसको सफा करता है ताकि वहाँ कोई बदबू न फैले, और केचवे मलप वो भी इस तीन नाड़ियों को हिलाते हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जिनके पास हड्डियां नहीं हैं, स्पाइनल कार्ड नहीं है, लेकिन तीन नाड़ियां उनके पास भी हैं। बाईं तरफ पिंगला है, ईड़ा है, चंद्र स्वर है, सूर्य स्वर है, और सेंटर में कंट्रोल है। तो लेफ्ट साइड बाईं तरफ ईड़ा ठंडक चंद्र स्वर और राइट साइड सूर्य स्वर गर्म और सेंटर का कंट्रोल है। तीसरा नेत्र, दसवां द्वार, हर चीज, जानवरों की आंखें देखिए कितनी सुंदर हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay. अब हम तीसरी दुनिया में जा रहे हैं। पंछियों का खत्म हो गया है, पानी का खत्म हो गया, मिट्टी के अंदर का खत्म हो गया है, अब मिट्टी के ऊपर जा रहे हैं चौथी दुनिया में। धरती के ऊपर जंगल में भी जानवर रहते हैं, वहाँ भी कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं है, कोई चूल्हा नहीं जलाता है, कोई आग नहीं जलाता है, कभी कभी फॉरेस्ट को अपने आप आग लग जाती है रगड़ से और जानवर भाग जाते हैं आग से। आदमी का बच्चा क्यों तड़प रहा है? तो कुत्ता मांस खाता है, घोड़ा घास खाता है, वो भी इस रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं और पेट के बल सो जाते हैं। अब देखिए कुदरत का क्या हिसाब है, नेचर ने क्यों रीढ़ की हड्डी ऊपर रखी है सब जानवरों की, और हॉरिजेंटल पे है, सूरज की श्वाएं पड़ती हैं, रीढ़ की हड्डी गर्म हो जाती है, और नीचे से हार्ट जो है उसकी गर्मी ऊपर उठ रही है, और सात डिस्क गर्म हो जाते हैं। तो इस हीट को सर तक और पूंछ तक ले जाने के लिए सब मांस खाने वाला जानवर, कुत्ता, घास खाने वाला घोड़ा, वो भी रीढ़ की हड्डी को हिलाता है और पेट के बल सो जाता है। अब देखिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना पैसा, कोई चीज उनको जरूरत नहीं है, हर चीज उनकी सेटल है, करोड़ों अरबों खरबों सालों से रीढ़ की हड्डी को हिलाना, पेट के बल सो जाना। चार दुनिया खत्म हो गई, अब आई पांचवीं दुनिया। अब देखिए कि इंसान की पांचवीं दुनिया है, जिसमें इंसान का बच्चा पैदा होता है तो दो टांग से नहीं चल सकता है, चार टांग से ही चलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इस धरती की, विकास जो है इस धरती को बनाने वाला जो नेचर है उसने हॉरिजेंटल पे रखा है। आदमी का बच्चा पेट के बल सोया मिलता है, फिर चार टांग से चलता है, फिर पेट के बल सो जाता है, लेकिन बाप आता है
कहता है गुड्डी गुड्डे को सिद्ध कर दो, यहाँ से आपका सारा मामला अपसेट हो गया, पूरा तख्ता इंसान का उलट गया है, हार्ट ऊपर आ गया है। अब हार्ट ऊपर आ गया, रीढ़ की हड्डी नीचे चली गई है, और बच्चा फिर चार टांग से चलता है, पेट के बल सो जाता है। बाप कहते हैं अरे तू जानवर नहीं है, महाजानवर है, खड़ा हो जा। तो 3, 4, 5, 6 मिलियन, 7 मिलियन कोई रिकॉर्ड नहीं हमारे पास है कि कब से आदमी ये खड़ा हुआ है, और ये रीढ़ की हड्डी अगर इधर आ गई है राइट साइड में तो लेफ्ट साइड नाभि चली गई है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ वेयर द बॉडी इज ए डेवलपमेंट इन द मदर स्टमक, नाभि। तो नाभि का बाएं तरफ होते ही हार्ट, लेफ्ट लंग्स, किडनीज, ऑर्गन्स कैन बी डैमेज। तो अगर राइट साइड, तो राइट साइड की किडनी, राइट साइड के लंग्स डैमेज हो रहे हैं। अगर ऐसे आ गया है तो नाभि ऊपर आ गई है, बवासीर, भुगंदर, कॉन्स्टिपेशन, विंड, गैस। और अगर ऐसे है तो फैट, मोटापा, कद्दू मल, पेठा मल, मोटू मल, झोटू मल, खोटू मल, लोटू मल। तो ये पोजीशन जो आपकी आ चुकी है, इस पोजीशन में दो पॉइंट हैं, पांचवीं और पंद्रहवीं डिस्क, ये आपकी डैमेज हो चुकी है और यही डिस्क आउट हो चुकी है। ये जो येलो रंग की है, बन शाइबन इसको जर्मन में बोलते हैं, ये आउट है। अब इसको अगर ठीक कर लेते हैं, आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो कोई रोग आपके नज़दीक नहीं आ सकता है। तो आओ हम उसको कैसे कहाँ से लें। अब आप घोड़े को देखिए, दिन भर ठेले को खींचता है, कई टन वजन खींचते खींचते मार खाते खाते उसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो गई है, और आदमी की बैठे बैठे टेढ़ी हो चुकी है। घोड़ा उदासा क्यों, आदमी प्यासा क्यों, लोटा नहीं था। तो घोड़ा जो है खाना नहीं खाते, क्योंकि उसकी ब्रेकें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो चुकी है। वो जा करके घास के ऊपर रस्सी तोड़ा करके भागता है, और घास और मट्टी और रेत के ऊपर जाकर हेड राइट नीज लेफ्ट, सिर दाएं घुटना बाएं, सिर सावरियाल पैर पेकियाँ, उसकी जो सारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं ये चारों साइड से खुल जाती हैं। ये बड़ा पॉइंट ज़रूरी है, ये जो 24 घंटे में 24 आपके डिस्क हैं, इनको कैसे खोलना है बस। और आदमी के बैठे बैठे हो गए तो आदमी भी लेट जाए घोड़े की तरह, पीठ के बल लेते, रेड राइट नीज लेफ्ट, सिर दाएं घुटना बाएं, तो ये रीढ़ की हड्डी उसकी सीधी हो जाती है। जितनी आपके अंदर उसके एक्सल, ये एक्सल है आदमी का, क्योंकि एक्सल हमेशा ऊपर रहता है जानवरों के, सूरज की शुआएं ऊपर पड़ती हैं, रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं और हार्ट की गर्मी ऊपर होती है, और आदमी के हार्ट की गर्मी ऊपर जा रही है, खोपड़ी गर्म हो रही है, खोपड़ी के सब बाल ही उड़ गए हैं, सेल्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन, बोन, सारी हीट ऊपर जाती है, नेचर का असूल है। तो आदमी का दिमाग स्पार्किंग कर रहा है, जैसे टेलीविज़न के अंदर पिक्चर क्लियर नहीं आती है, तो पूरी लाइफ इसका ऐसे ही स्पार्किंग में चला जाता है। आदमी के बच्चे को माँ मदद कर रही है, बाप मदद कर रहा है, गुरु मदद कर रहा है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मदद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ मदद कर रही हैं, टीचर मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट मदद कर रही है, बाहर की गवर्नमेंट ने एक दूसरे कंट्री के बच्चों को मदद करने के लिए तैयार है। कहाँ है मदद बताओ? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो पढ़ लिख करके जो डिग्रियाँ मिल रही हैं, बीए बेवकूफ़ एफ ए फूल, एमए मैड, हायर सेकेंडरी हायर सुपर, बी काम बेकाम, 10 पढ़ गया 10 नंबर या बदमाश, केमिकल कामकल मेडिकल मेडिकल। तो ये हमारे बच्चों को डिग्रियाँ मिल रही हैं। सुबह बच्चा उठता हाय हाय चाय हाय चाय, डैडी, डैड मीन मुर्दा, जो डैडी मर चुका है, पहला आशीर्वाद बच्चा 8 घंटे सोने के बाद देता है। तो बाप मर गया, सारे वर्ल्ड का ही बाप कोई नहीं, बाप ने मूछ उछ कटा दी है, छुट्टी हो गई, मम्मी की मूछ है ही नहीं, वो पहले ही सफा है, भगवान ने नहीं उसको दी। तो आप लोग कोशिश करो अपने आप को जब्त में लाने की, कंट्रोल करने की, बैलेंस। कुत्ते और घोड़े वो भी इस रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं और पेट के बल सो जाते हैं। जानवर
चार टांग से है, ऊपर से सूरज की श्वा पड़ के रीढ़ की हड्डी को गर्म है, और नीचे से हार्ट, हार्ट की गर्मी ऊपर उठ रही है, ये सात डिस्क गर्म हो रहे हैं। सिर उनका बचा हुआ है, पूंछ उनकी बची हुई है, और वो पूंछ भी हिलाते हैं, सिर को दाएं बाएं भी करते हैं, और पेट के बल सो जाते हैं। तो चार दुनिया 84 लाख जीव सब सुखी, पेट के बल सोते हैं। अब आई पांचवीं दुनिया आदमी की। आदमी का बच्चा पैदा होता है तो चार टांग से चलता है, 9 महीने तक पेट के बल ही सोता है। अब बाप आता है घर में, गुड्डी गुड्डे को सीधा कर दो, लो जी यहां से आपका तख्ता पूरा उलट चुका है, कि रीढ़ की हड्डी नीचे जा चुकी है, हार्ट ऊपर आ गया, उसकी गर्मी चली गई। अब फिर बच्चा चार टांग से चलता है और पेट के बल सो जाता है। और फिर बाप कहता है कि तू जानवर नहीं है, महाजानवर है, खड़ा कर देता है। तो ये अब आपकी और पोजीशन खराब हो चुकी है, कि रीढ़ की हड्डी और टेढ़ी हो गई, तो इसको कैसे अब सीधा करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो घोड़ा दिन भर ठेले को खींचता है, कई टन वजन मार खाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है। घोड़ा उदासा क्यों, आदमी प्यासा क्यों? आदमी की बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी, और जानवर की खींचते खींचते रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होगी। तो घोड़ा घास नहीं खाता क्योंकि अंदर से ब्रेकें लगी पड़ी हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हुई पड़ी है। तो वो घर जाता है तो रस्सी तोड़ा करके घास के ऊपर, मट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर लेट कर दाएं बाएं बाएं दाएं, वो 10 दफा करते ही उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। और आदमी भी अगर इस एक्सरसाइज को कर लेगा, सिर दाएं घुटना बाएं, ये चाबी है, ये कुंडलनी है आपकी, कोबरा पावर है, यहीं सब शक्तियां हैं। आदमी अपराइट हो गया है, जो शक्तियां हैं वो सारी ऊपर चली गई हैं। काम आपकी आंख में जा चुका है, क्रोध आपके कान में जा चुका है, कोई एक गाली निकालता है तो आप उसको गोली मार देते हैं, तो सारे ऑर्गन क्रोध के यहाँ आ चुके हैं। लोभ आपकी जबान में आ चुका है, मोह आपकी नाक में आ चुका है, अहंकार आपकी जिल्द में आ चुका है। तो काम आंख में, क्रोध कान में, लोभ जबान में, मोह नाक में, अहंकार आपकी जिल्द में है। इन पांचों को जीतने के लिए एक नेति क्रिया है, नाक में छोटी सी ट्यूब डाल करके मुंह से निकाली जाती है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि सब बीमारियां, कोई बीमारी लाओ इंसान की, क्योंकि 10 वायु हैं, 5 प्राण है, 5 उपप्राण है, उन 10 वायु को नेति ठीक कर देती है, आपकी बोलने की शक्ति बढ़ जाती है। तो एक नेति क्रिया से आपके सारे ऑर्गन, पेट के सब ठीक हो जाते हैं। और इस व्यायाम से सिर्फ 4 मिनट अगर आपके पास हैं, सिर्फ 4 मिनट, तो 400 साल तक आप अपने शरीर को ले जा सकते हैं। एक तो ये रीढ़ की हड्डी का व्यायाम, ये स्पेशल मैंने, इसके 8 कोर्स हैं, एक एक कोर्स के 12-12 एक्सरसाइज हैं, तो वो पूरे आपको हमारी किताब में तो पूरे आपको फोटो समेत मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेरी अपनी इन्वेंशन है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर मैंने सारी रिसर्च की है। तो एक तो ये रीढ़ की हड्डी का व्यायाम जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो इसको आपने जैसे ताला खोलते हैं दाएं बाएं, तो ताला खुल जाता है। नाक में घी डालना बहुत ज़रूरी है, जैसे 10 साल से ताला नहीं खुला तो उसमें जंग लग जाता है, तो तेल डालते हैं आप, ताला खुल जाता है, क्योंकि चाबी ठीक होनी चाहिए। तो 7 चाबियां आपके पास मैं पहले दूंगा, और 101 चाबियां अलग हैं। अगर एक चाबी भी वर्ल्ड में चली जाए, उसका प्रैक्टिस किया जाए, तो सारे वर्ल्ड में कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई रोग ही नहीं रहेगा, क्योंकि रोग कोई है नहीं। क्यों? ये रीढ़ की हड्डी में सारा कंट्रोल है। हर जानवर हर साल बच्चा पैदा करता है टाइम पर, और आदमी का कोई टाइम ही नहीं, क्योंकि ये खड़ी हो चुकी है रीढ़ की हड्डी, और खड़ी होकर के ये टेढ़ी हो चुकी है। तो इसलिए कोशिश करना है कि कैसे हम इस रीढ़ की हड्डी को फिर वापस लाएं, एडजस्टमेंट करें। तो वही घोड़े वाली एक्सरसाइज आपने करनी है, सिर दाएं घुटना बाएं, सिर सावरियाल पैर पेकियाँ, लड़का है तो मूछ रख के जाए, बहू लेके आए, बहू बन के न जाए, और लड़की भी सिर ससुराल में, पांव माँ बाप की तरफ।
तो ये पांच शक्तियां काम क्रोध लोभ मोहंकार इनको आप जीत सकते हैं एक नेति से। फिर एक प्राणायाम, एक मिनट प्राणायाम करिए, नाक से सांस लेना और छोड़ना, भस्त्र का प्राणायाम, धोकनी प्राणायाम, नेति एक मिनट, लंग्स फेफड़ों की एक्सरसाइज, प्राणायाम प्राणों का व्यायाम, फिर पेट को अंदर बाहर करना नौली क्रिया, तीन चौथा ये रीढ़ की हड्डी का व्यायाम। ये चार चाबियां मैंने कंपोजिशन किया चार मिनट 24 घंटे में, और तीन चाबियां आपके पास हैं। एक दरवाजे से आप अंदर आते हैं घर में, एक से ही बाहर जाएंगे। तो एक माता ने जन्म दिया है और एक ही स्त्री होनी चाहिए, बस। मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडित। पंडित विद्वान योगी मुनि तपस्वी कौन है जो पराई स्त्री को देखते नतमस्तक हो जाए? बूढ़ी माताएं हैं, नौजवान बहनें हैं, छोटी हमारी छोटी बहन है या लड़की है। तो ये दूसरे का धन मिट्टी का ढीला है। ये दो पॉइंट आपने अभ्यास करना, ये आपकी ड्यूटी है। एक माता एक नारी हमेशा के लिए सदा सुखारी और ब्रह्मचारी। भगवान राम ने क्यों मर्यादा किया? एक पति एक पत्नी होना चाहिए। उनके पिताजी ने तीन शादियां की दशरथ महाराज जी कि भाई लड़का हो, दौलत गुजरान है, औरत ईमान है, लड़का निशान है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए उन्होंने तीन शादियां की। तो राम जी ने एक ही शादी, और देखो कितनी जिंदगी, राज मिलना था और वनवास में चले गए। और फिर लव और कुश, दो लड़के, क्या उनके अंदर बहादुरी थी, क्या शक्ति थी तीर कमान चलाना और हजारों का मुकाबला करना। तो पुराने जमाने से भारतवर्ष के अंदर लड़कियां नहीं होती थी। राम लक्ष्मण भरत चार लड़के हुए, कोई बहन नहीं हुई, क्योंकि पिता जटा झूठ होते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। जब से ये कैंची, पांच पांडु करण छह भाई थे, कोई बहन नहीं थी। तो इसलिए अब आप लोग कोशिश करिए कि किस तरीके से। फिर लास्ट पावर गुरु गोविंद सिंह आई, फिर उन्होंने गुरु और शिष्य का नाता बनाया, गुरु और शिष्य, और फिर उनके चार लड़के हुए, कोई लड़की नहीं हुई। तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, ये एक एक बाल आपका जो है ये कुकर की सीटी है, प्रेशर कुकर की। तो एक सीटी को बंद करते ही आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है। तो इसलिए साबत सूरत रब दी भरने कटे बेईमान, जो बेईमान है वो भगवान की दी हुई दात को काटता है। दुनिया में कौन खूबसूरत है? मोर, मोरनी नहीं, शेर, शेरनी नहीं, हाथी, हथनी नहीं, घोड़ा, घोड़ी नहीं, हिरन, हिरन की वाइफ नहीं। तो इसलिए माताओं को सर के बाल जरूरी है, सिर मुनिया नहीं होना चाहिए। 20-20 पाउंड भी दे आती हैं, सिर मुना करके सारी शक्तियां बाहर काट आती हैं। तो आदमी को भी चाहिए कि अपने जो भगवान ने दिया है, 7 करोड़ बाल हैं, सबको रहने दो, फिर देखो कितनी शक्तियां आपके अंदर आती हैं। मैं आज भी अपने दांतों से 30 टन वजन खींच देता हूँ, बालों से पूरा ट्रक खींच देता हूँ, 4-4 गाड़ियां पकड़ के रोक देता हूँ, रोड रोलर छाती पे जंप कर सकता हूँ। तो बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां अपने बालों से बांधता हूँ। तो क्या शक्ति है बालों की? सैमसन एंड डिलीला की आपने कहानी सुनी थी, सैमसन के बाल काट दिए, उसकी ताकत खत्म हो गई। तो आप लोग कोशिश करिए, एटलीस्ट मूछ जरूर रखो, गाड़ी का नंबर होना चाहिए, नहीं तो चलान होता ही रहेगा बगैर मूछों का। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लोग ये 7 चाबियां आपके पास, फिर उसके बाद 101 चाबियां और हैं, वो भी आपको बताएंगे। उसमें बहुत सी क्रियाएं हैं, ब्रह्मदातन धोती क्रिया, गज करनी प्रभाती क्रिया, नौली क्रिया, खेचरी मुद्रा, बिजरौली क्रिया जो भगवान कृष्ण के पास थी। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं योगियों ने डेवलप की हैं। तो मैंने तो कोशिश की है कि हर आदमी शक्तिशाली कैसे बन सकता है, क्योंकि मैं खुद गृहस्थी हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है और 1 ही मेरी घरवाली है। आपके पता नहीं अंडरग्राउंड कितने खाते खुले और बंद हो गए, ये तो आप जानिए, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। इसलिए आप अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने माता पिता गुरुओं की सेवा करिए और अपनी भाषा बोलिए। जब तक आप अपनी भाषा नहीं बोलोगे, घर में अपने बच्चों के साथ अपने डायलॉग, बच्चों का कनेक्शन आपसे खत्म हो जाएगा। बाकी तो बाहर से उन्होंने बहुत कुछ सीखना है, तो
तो कम से कम एटलीस्ट रात को उनको कहानियां सुनाइए अपने बुजुर्गों की कि हमारे बुजुर्ग कितने ताकतवर थे। मेरे पिताजी भी जब मैं छोटा सा था कि भीमसेन ने हाथियों को ऊपर फेंक दिया तो मैं ऊपर देखूं पिताजी तारे नजर आते हैं हाथी नजर ही नहीं आते, कहते बेटा वो बहुत ऊंचे चले गए ऊपर ही घूम रहे हैं। तो माता पिता की ड्यूटी है जैसे वीर मनु को माँ के पेट से सीख के आया है तो उसके ऊपर भी मैं आपको भी और बताऊंगा कि किस तरीके से आदमी ने क्यों ये बिल्डिंगें बनाई, क्यों ये खोज की, क्यों ये एटम बम बना रहा है। तो जब माता के पेट के अंदर बच्चा होता है तो उस वक्त माँ का जो पोजीशन है वो बहुत ध्यान दीजिए। अब आप ये पोजीशन है, गाय का बच्चा भी रीढ़ की हड्डी को हिलाता है अंदर पेट के अंदर और पेट के बल सो जाती है गाय, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। तो ये खास टेक्निक है कुदरत ने उनको दी है, अगर बाएं तरफ सो रही हैं तो दाएं नास का बॉडी गर्म हो रहा है, हीटर लग गया अंदर से ही, और अगर दाएं तरफ सो रही हैं तो बॉडी ठंडा हो रहा है। हाँ, तो गाय का बच्चा माँ के पेट के अंदर वही एक्सरसाइज कर रहा है, रीढ़ की हड्डी को हिला रहा है और पेट के बल सो रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। कोई जानवर पीठ के बल नहीं सोता है, खाली एक इंसान है जो पीठ के बल सोता है और सिरहाने रखता है। 280 लीटर खून आपका हार्ट पंप करता है 24 घंटे में, 130 लीटर ब्रेन को चाहिए, तो ब्रेन को पूरा खून नहीं मिलता, इसलिए आदमी घबरा रहा है, थक जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये रीढ़ की हड्डी का जो हिलाना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पेट के बल सो जाना है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब माँ हमारी खड़ी हो गई तो हमारा सर नीचे हो गया, माँ जहाँ जहाँ घूमती है वहाँ ये ब्रेन बच्चे के अंदर कंप्यूटर हैं, बड़े बड़े कैमरे हैं जो सारी फोटो खींच लेते हैं धरती की। तो जब आदमी का बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल की बजाय अपराइट हो गया, तो जिधर इसकी खोपड़ी जाती है उधर ही रिसर्च करता है। माँ के पेट के अंदर पेट के बल, माँ खड़ी हो गई है पांव, तो सर आदमी का ज़मीन की तरफ हो गया, तो जहाँ जहाँ माँ घूमती है वहाँ वहाँ के सारे कैमरे सारे उसके दिमाग के अंदर आ गए। फिर चार टांग से ही चलता है, फिर खड़ा हो जाता है, तो अब उसका वो जो रिमेम्बरिंग थी माँ के पेट के अंदर जो कैमरे दिमाग के अंदर कंप्यूटर जो खींचा गया है वो फिर खोदना शुरू कर दिया है। क्योंकि जानवर हॉरिजॉन्टल पे रहते हैं, गाय का बच्चा निकलता है तो खड़ा होता है, एक दफ़ा गिरता है फिर वो गिरता नहीं है, उसके पांव नाजुक होते हैं, फिर वो माँ को माँ उसको चाटती है, जिस पार्ट को नहीं माँ गऊ चाटती है वो पार्ट पैरालाइज हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए, फिर वो दूध पीना, माँ अपनी जबान से सारी विद्या दे देती है करोड़ों अरबों खरबों सालों की, और आदमी को हर जन्म में नया जन्म लेता है, फिर चार टांग से चलता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर पढ़ाई शुरू करता है। तो ये एक ऐसा सिलसिला चल रहा है विदाउट एंड। तो आप लोग समझिए, ये रीढ़ की हड्डी का खड़ा होना, दिमाग का डगमगा जाना, आधा पर्सन ब्रेन वर्ल्ड के अंदर एक इंसान का काम नहीं कर रहा, आधा पर्सन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी हीट ऊपर जा रही है, हार्ट की भी, सेल्स की भी, ग्लैंड्स की भी, बोन्स की भी, पांव से लेके सर तक सीधा हीट ऊपर जा रहा है, और काफ़ी कुकिंग हो रही है, फिर आप काफ़ियाँ पीते हैं, काफ़ी आपको कफन तक ले जाएगी, लिपटन लिपट जाएगी, ब्रेकिंग बोन हड्डियाँ तोड़ेगी, चाय हाय कोको कोला कोयले हो जाओगे, फेंटा फेंट के लमका लमक जाओगे। तो आप लोग कोशिश करिए, मीट अंडा मछली सिगरेट बीड़ी शराब कोई नशा मत करिए, खाली इस रीढ़ की हड्डी को हिलाइए और आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कोई बीमारी नहीं दुनिया के अंदर, वहम डर और फॉरेन मैटर, ये तीन चीज़ें आदमी के अंदर आई हैं। तो वहम कहाँ से आया, ये हीट ऊपर जाती है, हीट जाकर के माइंड को स्पार्किंग कर रही है जैसे, तो इस तरीके से वहम पड़ गया, किसी डॉक्टर ने या वैद्य ने कहा भाई तुम्हें तो कैंसर हो जाएगा, तो वो दिमाग में फिल्म चलनी शुरू हो गई, ये जो दो आँखें हैं दो लेंस हैं आपके। तो आप लोग कोशिश करिए, वहम डर और फॉरेन मैटर, आँख में मच्छर पड़ गया अब आँख बंद हो गई मेरी,
जब तक वो मच्छर निकलेगा नहीं, आंख खुलेगी नहीं। तो आपके बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके बोन्स में, आपके सेल्स और ग्लैंड में, आपके अंदर की दुनिया में डिस्टर्बेशन हो गई है, क्योंकि आपने मीट, अंडा, मछली, कोको कोला, फेंटा, लमका, मार, दुनिया भर के इंजेक्शन, दवाइयां, मेडिसन, ये क्यों लेते हैं आप? जब कोई जानवर नहीं लेता, खाली रीढ़ की हड्डी को हिलाता है और पेट के बल सो जाता है। आज आप कोशिश करके देखिए, लेफ्ट साइड सो जाइए पेट के बल, तो आपको एकदम समाधि में, बच्चा रो रहा होता टट्टी पेशाब से लिस्ट में, माँ खाली उठाती है तो ऐसे लगाती है, लगाते ही उसके चक्कर माँ के साथ मिलती चुप हो जाती, कोई माँ खुराक नहीं देती है, बस लगाते ही मैग्नेट लोहे के साथ पकड़ता है, तो आप सो जाते हैं पीठ के बल, आपका धरती के साथ कनेक्शन नहीं है। आप पेट के बल सोइए तो आपको एकदम जमीन पर सोइए तो आपके चक्कर और धरती का मैग्नेट वो मिल जाएगा, तो आपको समाधि में हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए जहाँ तक हो सके पेट के बल सोना और ये व्यायाम करना, एडजस्टमेंट करिए। तो ये 7 चाबियाँ मैंने आपको बताई हैं, बाकी 101 चाबियाँ फिर बता देंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करिए जैसा हो, हाउ टू कंपोज, हाउ टू कंप्रोमाइज, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू एडजस्टमेंट, सिर्फ 4 मिनट 24 घंटे में 400 साल तक अपने शरीर को ले जाओ और अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ो। लेकिन आप तो हर वक्त डर, वहम, फॉरेन मैटर आपके अंदर जा चुका। आज के बाद प्योर वेजिटेरियन, रॉ फूड खाइए, कच्चा। हर जानवर सूरज का पक्का खाता है, कोई जानवर आग नहीं चलाता है, कोई मर्च मसाले करिया नहीं डालता है। तो आप लोग कोशिश करिए, पियोगे विस्की हो जाओगे रिस्की, पियोगे भंग हो जाओगे नंग, खाओगे अफीम हो जाओगे यतीम, टीचा और बी बीड़ी हो गया टीवी। तो आप लोग कोशिश करिए, भंग पोस्त अफीम उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो भजन का नशा जो है, जो गुरुओं ने मंत्र दिए उसको जाप करो, अपने अपने मजहब को, किसी के मजहब को बुरा मत बनाओ। ओम अल्लाह गॉड गुरु सत नाम है वाहेगुरु, सब इकट्ठे हो जाओ, संघो शक्ति कलयुग, कलयुग में संगठन का राज। अपने मन को बाहर भेज दो, गेट के ऊपर खड़ा रहे, एक बांस गाड़ दो, उस बांस के ऊपर ऊपर चढ़े नीचे चढ़े और उस मंत्र का जाप करें। जब आपको जरूरत है अपने मन को बुला लो, तो मन जीते जग जीत है। उस मन के पास करोड़ों हाथियों का बल है, तो वो कैसे आप मुकाबला करेंगे? एक मन के 3 बैरी, 2 अखी, 1 चित्त, ये देखें वो लोभदा झगड़ा नितो नित। हाथ पैर तन दे धोइए पानी उतरे खे, मूत पलीती कपड़ होए देहो सबूनी लइए धोए, भरिए मत पापा के संग उसको धोइए नामा के रंग। पांव गरम पेट नरम सर ठंडा, आए डॉक्टर वैद बीमारी मारो डंडा। अपना काम खुद करो, कोई जानवर एक गिलास पानी नहीं मांगता माँ से बाप से, खुद उड़ता है जाता है पीता है आखिरी सांस तक, और उसके शरीर का भी पता नहीं चलता है। वही जानवर हमारे सामने मरे हुए नजर आते हैं जो गोली से आदमी मारता है। करोड़ों जानवर रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, पानी में भी, समुंदर में भी। तो हर एक में हरकत में बरकत है। आपे करे सो देवता, कहने से करे मनुख, और जो कहने से न करे उसका बड़ा दुख। नजर जो आता है वह अपना नहीं, अपना है वह जो नजर आता नहीं। लेने वाले सब नजर आते हैं, देने वाला वह नजर आता नहीं। हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं। रीढ़ की हड्डी को घुमाए बगैर भगवान के दर्शन होते नहीं है। सब दुखों की एक दवा क्या, मट्टी, पानी, धूप, आग, हवा। रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी है उसको दाएं बाएं हिला, प्रकृति में एक हो जा, दुखों से छुटकारा पा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए जहां तक हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी को लेट करके, और एक सिरहाना रख दो उसके ऊपर लेट जाओ, 2 मिनट के अंदर आपकी कमर की दर्द खत्म है। और अगर 7वां व्यायाम कर लोगे, सिर दाएं घुटना बाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक दिन के अंदर ही आपके बैक पेन वगैरह, फिर मीठा छोड़ देंगे आप, कोई शुगर का एक दाना नहीं खाएंगे। अगर शुगर खाएंगे मीठा, भगवान का प्रसाद भी नहीं खाना है, वो भी किसी बच्चे को दो, क्योंकि बच्चा 50 किलोमीटर हरकत करता है सुबह से शाम तक, और आप बैठे बैठे हिलो माल मुझे दे जाओ, क्योंकि आपका पेट बड़ा हो गया, आपकी गाड़ी तो गैराज में खड़ी है और टैंक के अंदर डाले जा रहे हो, बैड टी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर सब पर्व, सब सुबह से लेकर शाम तक आप
अपने लेटर बॉक्स को लेदर बॉक्स बना दिया है। 20% खाना है, 30% पानी है, 50% हवा है, और आप 80% तो मार कुत्ते बिल्ले खा जाते हैं, मांस अंडा मछली और ब्रेड, वाइट ब्रेड नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग कोशिश करिए तली हुई चीज़ें, समोसे, पकौड़े, अचार, खटाइयाँ, ये जितनी भी चीज़ें आप डालते हैं, लिवर आपका ख़राब हो रहा है। तो आप अपने लिवर को ख्याल से, ध्यान से उसको नरम करिए। कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं, पनीर जड़ी के ढोडे हैं, कड़वी जड़ियाँ हैं, चिरायता है, कुटकी है, नीम के पत्ते हैं, नीम सबसे बड़ा हकीम है। तो आप लोग कोशिश करिए, अपना बच्चों को बचाइए, अपने आप को भी बचाइए। तो कोशिश करिए, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे रोम रोम, हरि ओम मेरा जपे रोम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम अल्लाह गॉड गुरु सतनाम है वाहे गुरु, अल्लाह गॉड गुरु सतनाम है वाहे, सतनाम है वाहे गुरु, सतनाम है वाहे गुरु, सतनाम है वाहे गुरु, सतनाम है वाहे गुरु, हरि ओम मेरा जपे रोम, हरि ओम मेरा जपे रोम, ओम शांति शांति शांति। ओ पहला शब्द, बच्चा पैदा होता है तो पहला आ और माँ दो शब्द बोलता है बगैर किसी टीचिंग के। तो आ और माँ का मतलब क्या हुआ, योगी ने इसके ऊपर और गहरा विचार करके ओम, तो ओम शब्द, ओम अल्लाह गॉड गुरु सतनाम है वाहे गुरु, एक ओंकार, तो वही शब्द है, वही मेडिटेशन है। और कलमे के भी 24 अक्षर हैं, गायत्री के भी 24 अक्षर हैं, और गुरु नानक साहब के मंत्र के भी एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्स अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आज सत जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। और ये 24 ही सीढ़ियां आपकी हैं, ध्यान दीजिए, और 24 ही घंटे आपके हैं। इसके राज को मैंने आज खोल दिया है, इतना सुंदर राज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये 24 ही सीढ़ियां हैं, 24 ही घंटे हैं, और 24 ही दत्तात्रेय के गुरु थे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, कलमा भी 24 अक्षर का ही है, 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हो, ये क्या है, ये रीढ़ की हड्डी का व्यायाम है। कितना सुंदर नमाज पढ़ते हैं 5 दफा, तो पढ़ता ही कोई नहीं। रोजे जो नहीं रखते हैं, रोजे कितने अच्छे हैं, साल भर की सारे अंदर से सफाई कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं रखता, वो सुबह उठते ही मार पेट भरना शुरू कर देते हैं और शाम को फिर पेट भरना, वही 2 दफा वो भी खा रहे। हिंदुओं का देखो व्रत है, व्रत वाले दिन इतना मीठा खाए, आधा किलो से ऊपर मीठा जा रहा है। आज मीठा छोड़ दो, 10 दिन के बाद अगर आप बीमार रहो तो मुझे पकड़ो। फ्रूट भी छोड़ दो, भगवान किसी ने गीता में कहा फल की इच्छा छोड़ो। तो आप लोग भी कोशिश करिए, ये आर्टिफिशियल फ्रूट जो है इसके ऊपर स्प्रे करते हैं, आर्टिफिशियल कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और वो आप खाते हैं। आप अपने फ्रूट को 10 दिन रख के देखो, सब गल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पॉइजन पड़ा हुआ है। तो आप लोग 10 दिन खाली साग सब्जी वेजिटेबल, चना खाइए, जो खाए चना वो रहे बना, मूंग साबत खाइए, मोठ मसर, कभी दालें मत खाइए जिनका छिलका उतर गया हो, कभी डबल रोटी मत खाइए, डबल रहोगे या डबल रोटी बन जाओगे। ये जितनी मैदे की चीज़ें, बिस्कुट वगैरह जो कुछ भी हैं, चॉकलेट टॉफियाँ, टफ कर गई बच्चों को, बच्चों के दांत सब खत्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं,
कि आप उसको मीठा खिलाते हैं। तो हिंदू मारा गया मीठे से, जितने फेस्टिवल सब मीठा मीठा मीठा, और मनी से पागल हो गए। किसी जानवर के पास मनी नहीं है, एक जानवर बता दो एक पैसा रखता हूं। ये आदमी ने कबूतर खाने बनाए हैं, इनको रिपेयर के लिए 5% ले लो मनी, मनी के पीछे अपने शरीर का सत्यानाश कर दिया है। मुसलमान मार धाड़ काट, ईसाई वो भी मार काट, क्राइसमस क्राइस्ट को मिस कर गए। क्रिसमस के दिन करोड़ों हाई टर्की और चिकन और क्या क्या जो साल भर में खामी रहेगी वो क्रिसमस कर देते हैं, क्राइस्ट को मिस कर देते हैं। क्राइस्ट ने जानवरों को प्यार किया है। क्राइस्ट ने कहा कि एक तरफ थप्पड़ मारो दूसरी भी दे दो भाई, कर्जा उतर जाए। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, किसी मजहब ने कोई बुरी चीज़ नहीं बताई है, सब मजहब अच्छे हैं, लेकिन मार काट खून रेजी बम उग्रवादी ये क्या है, ये सब बिहाइंड स्टोरी, मीट अंडा शराब मीट नशे स्मैक। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अपने बच्चों को बचाओ, ये व्यायाम करें, बाजू घुमाएं, प्राणायाम करें, सूरज की छुआएं ले लें बॉडी के ऊपर, सन बाथ लें, स्विमिंग करो। स्विमिंग तो आपके पास बड़ा अच्छा एक, यूरोप के अंदर दो ही चीज़ें मदद कर रही हैं, एक तो कोल्ड और एक गाय प्रोडक्शन। गाय का दूध आपको मिलता है, घी मिलता है, दही लस्सी मिलती है, बटर मिल्क मिलता है। तो आप लोग कोशिश करिए, रोज बटर मिल्क पीजिए, पियो लस्सी उम्र 480, पियोगे चाह हो जाओगे तबाह। तो इसलिए आप लोग मीठा बंद कर दो, 10 दिन तजर्बा करके देखो, 10 दिन के बाद आपके नज़दीक कोई रोग नहीं रहेगा, कैंसर तक भाग जाएंगे। लेकिन आप तो सुबह से शाम तक आधा आधा किलो मीठा खा रहे हैं, एक भी धरती के ऊपर बच्चा नहीं जिसको ब्लड शुगर ना हो। तो आप लोग कोशिश करिए, मामूली से डायग्नोज है मीठा और फ्रूट। मीट अंडा तो प्रश्न ही नहीं उठता है, हिंदू का बाप मरता है उसको खाते नहीं है घर में बच्चे, उसको जाके जलाते हैं जमुना के पार गंगा के पार, उसकी हड्डियां को भी अलाहाबाद दे आते हैं। मुसलमान का बाप मरता है तो कब्र में दबाते हैं 10 फुट नीचे के, फिर ना बाप आ जाए। ईसाई का बाप मरता है तो चर्च यार्ड में ले जाते हैं। तो तुम बाहर से मुर्दे लाके, वो चिकन जो हजारों जीवों को टट्टी के कीड़े खाता है, बीमार आदमी की बलगम छड़प कर जाता है, दमे वाले की टीबी वाले की, और उस मुर्गे को आप खाते हैं। आप खाते हैं तो एक मुर्गा आप अपने हाथ से काट के देखो, सर काट दो और छोड़ दो अपने कमरे में, पूरा कमरा खून रेजी से तर हो जाएगा। 3 घंटे तक वो मुर्गा नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा? अंतगता सोई मता, अंत समय जो भी है वो सारे अपने उसकी फिल्में चलती हैं। लाखों जीवों को उसने मार मार के खाया है मुर्गे ने, और अमेरिका वाले तो कमाल ही कर गए, मछलियों को पकड़ते हैं उनको पाउडर बना करके वो मुर्गों को खिला रहे हैं, और मुर्गों के अंदर इतनी बदबू आ रही है क्योंकि मुर्दा खा रहे हैं मुर्दा, और मुर्दा हो रहे हैं, और वो आप लोग अपने बच्चों को खिलाते हैं। साग सब्जी खाओगे, एक फूल काट लो उसको पानी में रख दो 3 दिन तक, फिर वो जिंदा रहता है। लिव एंड लेट लिव, हम भी जिंदा रहें तुम भी जिंदा रहो, एक दूसरे को हेल्प करो। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, फर्स्ट फंडामेंटल इज वेजिटेरियन, सेकंड इज द मॉरल, प्राय स्त्री को माता और बहन के बराबर समझो, प्राय धन को मिट्टी का ढीला, बस फिर आपका सारा कल्याण हो सकता है। और आप मेडिटेशन भी करिए, जो मर्जी आप करिए, ये एक्सरसाइज स्पेशल जो मैंने आपको बता दी है रीढ़ की हड्डी के, इसका करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के कद बढ़ जाएंगे 7-7 फुट तक, जितना आप बच्चों को बढ़ाना चाहें, भूख लगेगी 3 दिन इस एक्सरसाइज को करोगे आपको भूख इतनी बढ़ जाएगी, कहने की बात नहीं, पेट शेट वजन कम हो जाएंगे, किडनियाँ काम करेंगी, पथरियाँ अपने आप निकलेंगी। फिर स्विमिंग भी करिए, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग कोशिश करिए, बाकी क्रियाएं फिर हम आपको समझाएंगे जब थोड़ा सा और टाइम मिलेगा। तो आज हम इस कार्य को समाप्त कर रहे हैं। ओम शांति 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 ओम। मेरे प्यारे दोस्तों, डॉक्टरों, वैद्य हकीमों, मैं आपको एक नई चीज़ ऐसी बताना चाहता हूँ कि
कि ये आदमी के बच्चे ने क्यों इतने खुराफात किए हैं, धरती को खोद रहा है, कभी तेल निकालता है, सोना चांदी लोहा पीतल सब निकाले जा रहा है, ये चांद पर क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इसके बिहाइंड स्टोरी क्या है। कोई जानवर जमीन को नहीं खोदता है, न लोहा निकालता है, न आग जलाता है, न आग का पका खाता है, जो सूरज ने पका दिया वही खाता है, जो नेचर ने दिया उसको ले लेता है, और कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन आदमी इतना कन्वर्ट हो चुका है, किस लिए, क्यों, क्या कारण, इसके बिहाइंड स्टोरी ये है कि मदर जब खड़ी हो जाती है तो आदमी का खोपड़ी नीचे जमीन की तरफ, ये यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कंप्यूटर हैं ब्रेन के अंदर, और वो सारी धरती की फोटो को खींच रहा है कि यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जब ये बैठ जाता है तो खोपड़ी ऊपर चली जाती है आसमान की तरफ। माँ के पेट के अंदर कई पोजीशनें हैं इसकी हैं, दो दो बच्चे, ट्विन, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, सात सात बच्चे माँ के पेट के अंदर रह सकते हैं। तो ये कहाँ से खुराक लेता है, ये नेवल से, ये जो नेवल जा रही है कनेक्शन है माँ के साथ। तो ध्यान दीजिए कितना सूक्ष्म खुराक इसको मिल रहा है माँ के पेट के अंदर, और बाहर आकर कितना खुराफात करता है, कुत्ते बिल्ले मांस अंडा मछली खाए जा रहा है और अपना नष्ट किए जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, ये शीर्षासन, सर नीचे टांगे ऊपर हो चुकी है, ये रीढ़ की हड्डी नीचे और सर ऊपर है, ये भी शीर्षासन है, ये भी शीर्षासन है, ये भी शीर्षासन है, ये हॉरिजॉन्टल पे है, ये फिर शीर्षासन पे, एक बच्चा और एक। तो ये सारी आपकी करामात माँ के पेट से चल रही है, जितनी भी खोज आदमी कर रहा है, जहां जहां माँ घूमती है वहां वहां का सारा खोज कर रहा है। जहां इसकी खोपड़ी जाती है हीट, अब ये खड़ा हो जाता है तो हीट ऊपर जा रही है, सारे बॉडी की बोन्स की सेल्स की ग्लैंड्स की पूरी हीट ऊपर जा रही है, और इसको स्पार्किंग कर रहा है दिमाग। दिमाग में शांति नहीं है दो सेकंड के लिए भी, वर्ल्ड के अंदर अभी तक इसका इलाज नहीं निकाला किसी ने कि दो सेकंड मन के स्विच को कैसे ऑफ कर सकोगे। तो आओ मैं आपको इसका हल, उसकी खोज बताना चाहता हूं। अगर 12 सेकंड आपका मन एकाग्र हो गया, ये नहीं कि नशे में आप नशा करके दूध घी पी करके आप सो रहे हैं, आप जागते हुए चेतन अवस्था में आप 12 सेकंड अगर मन के स्विच को ऑफ कर देते हैं तो आपके सातवीं से यम नियम आसन प्राणायाम प्रेतार धारणा ध्यान, आठवीं से समाधि की है, संकल्प समाधि निर्संकल्प समाधि, बड़े बड़े अंदर आनंद चिदानंद सहिदानंद परमानंद, ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर हैं। लेकिन किसी मास्टर के पास, किसी योगी के पास जो इसका ज्ञाता हो, वो आपको दे सकता है। तो आओ इस रीढ़ की हड्डी का मैं आपको अभी व्याख्या करूंगा। ये 24 सीढ़ियां हैं और 24 ही घंटे हैं आपके, और गायत्री मंत्र के 24 ही अक्षर हैं, दत्तात्रेय के 24 ही गुरु थे, कलमे के 24 अक्षर हैं, गुरु नानक साहब के बीज मंत्र के 24 अक्षर हैं, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम अल्लाह गॉड गुरु सत नाम है वाहे गुरु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो कोशिश करो ये 24 रीढ़ की हड्डियां, जो नमाज पढ़ते हो तो वो ये रीढ़ की हड्डी एक्सरसाइज होती है। आपको पता ही नहीं कि कितना आपके पास खजाने हैं अपने बुजुर्गों के। तन सफा मन सफा कौले मोहम्मद मुस्तफा, ना रब आरस महलाओं पर ना रब खाने काबे ही, ना रब विच किताबें मिलदा ना रब विच नमाजे ही, ना रब गंगे मक्के मिलदा एवे पेंडे झागे ही, मिलिया मुर्शद कामल बहुत मिट्टे सब तगादी। जब तक आपका पीर गुरु मास्टर परफेक्ट नहीं मिलता है, तब तक आपका सफर करोड़ों जन्मों तक चल रहा है। तो सबसे पहला काम है कि इस बॉडी को जो खुराक मिल रही है
ये नेवल से मिल रही है, फिल्टर होकर के जो माँ खाती है। तो सबसे पहले इसकी खुराक दूध है, तो दूध इसकी पहली खुराक है माँ का। माँ जब एक कनेक्शन कटता है तो माँ की छाती के दो कनेक्शन, माँ कहती है रो नहीं बेटा, मैं तुम्हें दो कनेक्शन दे दूंगी, एक कटा है। तो जब माँ को काटता है, दांत निकलते हैं, तो माँ उसको दूध पिलाना बंद कर देती है। तो ध्यान दीजिए, जब अपनी माँ नहीं काटने देती तो कैसे आप मुर्दे को खाते हैं, कैसे आप पांच दफा नमाज पढ़ के फिर आप अपने कलमा पढ़ने के बाद, तू तो रहम वाला है और मैं बेरहम हूं इसलिए मुझे चाहिए, तुम भी रहम दिल बनो, कोशिश करो समझने की। मुर्दे को कोई नहीं खाता है सिवाय कुत्ते के या गिद्ध के या चील के या कौए के। तो मुर्दे को दबनाया जाता है, जलाया जाता है। तो आप लोग बाहर से मुर्दा ला करके घर में कुकिंग करते हो तो बताओ, ना तुम्हारा घर कब्रिस्तान है ना शमशान है, बल्कि कुछ और ही ऊपर है जिसमें आप खाते हैं। तो कोशिश करो, बच्चों को कभी मीट अंडा मछली का पता नहीं, ज्ञान ही नहीं होना चाहिए कि ये भी कोई खुराक है। इस धरती के ऊपर चार किस्म की खुराक है, ध्यान दीजिए। पहली है अंडरज, अंडे से पैदा होने वाले जो भी जीव है, मुर्गा है, सांप है, चील है, कौआ है, बड़े बड़े जहरीले जानवर अंडे में पैदा होते हैं, अंडरज। तो अंडे की कोई चीज आपके बॉडी के मुताबिक नहीं है। दूसरी है जेरज, जो जेर से पैदा होते हैं, गाय का जेर से पैदा होते हैं, स्लिपरी स्किन होती है, कुत्ते का बच्चा भी जेर से, बिल्ली का बच्चा भी और आदमी का बच्चा भी। तो जेर के पैदा होने वाले कोई भी आप नहीं खा सकते हैं। तीसरी है श्वेत रज, जो पसीने से, गर्मी से, बारिश से मच्छर मक्खियां पैदा होते हैं, वो भी आपके लायक नहीं है, तो आप लोग कोशिश करिए। चौथा है उत्भुज, जो धरती माता दे रही है आपको लाखों करोड़ों जड़ी बूटियां, साग सब्जियां, फल फ्रूट, कितनी चीजें अनाज हैं। तो आप उनको छोड़ करके दूसरे की जान लेते हो। हिंदू कहां तो मारे आ, मुस्लिम भी तो ना ही, पांच दद्दा पुतला नानक मेरा ना है। गुरु नानक साहब ने सारे मसले हल कर दिए कि पांच तत् का शरीर है, पांच तत् से इसको फायदा पहुंचेगा, छठा तत् पहुंचते ही आपका सब गड़बड़ हो जाए। जब कोई जानवर बीमार नहीं है तो आदमी क्यों बीमार है, क्योंकि इसने छठा तत् डाल दिया, आग से पका पका के खाता है, लिवर खराब कर लिए, किडनी खराब कर ली, लंग्स खराब कर लिए सिगरेट पी पी के, गांजा भांग चरस मैं कितने नशे आप कर रहे हैं। और उनसे पूछो वो जो नशे बेचते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए। भंग पोस्त अफीम उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो ये आपका जो ब्रेन है ये बहुत सूक्ष्म है, बड़े बड़े कैमरे इसके अंदर हैं, ये दो आंखें जो है ये उसकी लेंस हैं। तो आंखों के अंदर आप लोग कोशिश करिए, वेजिटेरियन, क्योंकि बॉडी के अंदर सब गंदगी भरी हुई है, ये 9 महीने माँ के पेट के अंदर क्या कहाँ तुम्हारा बॉडी डेवलप होता है गंदगी में। तो आप लोग कोशिश करिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खून निकल जाता है, टांग टूट जाती है, तो अस्पताल में किसका खून देते हैं, बकरे का, भेड़ का, मुर्गे का, नहीं आदमी का, किस आदमी का, उसकी फैमिली का, ग्रुप ब्लड मिलता हो। तो कैसे आप रोज मीट अंडा मछली, क्या उनके ग्रुप ब्लड हमारे से मिलते हैं, और माँ के पेट के अंदर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म खुराक खाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, सबसे पहले वेजिटेरियन एंड मॉरल, ये दो आपके फंडामेंटल पांव हैं, तब आप आगे स्पिरिचुअल जा सकते हैं। आध्यात्मिक कल्चर इज नॉट एग्रीकल्चर, आप लोग समझिए कि इंसान के दिमाग के अंदर कितनी शक्तियां हैं। एक मिनट आंखें बंद की, चांद वीनस पूरा ब्रह्मांड से चक्कर लगा करके इंडिया से होकर मैं यहां आ गया इंग्लैंड में। तो ऐसे सूक्ष्म मन को आप इतनी गंदा अन्न देते हैं, सिगरेट बीड़ियां शराब पिलाते हैं, चाय कॉफियां कोको कोले पिलाते हैं, फेंटे लमके और डबल रोटियां मैदे की चीजें खिलाते हैं, इसलिए आपका पेट, आपको सजा मिल रही है। आपका पेट क्यों बढ़ गया, 1 ग्राम पेट नहीं बढ़ना चाहिए, 1 ग्राम अगर पेट बढ़ गया है तो हार्ट को 10 किलोमीटर एक्सर्शन है, आंख में मच्छर पड़ गया पड़ गया, जब तक मच्छर नहीं निकलेगा आपकी आंख नहीं खुलेगी, इसलिए आपको पेट को कभी नहीं बढ़ना चाहिए।
शरीर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, आखिरी सांस तक आप अपना खुद काम करें, कोई नौकर से काम मत कराइए, जो काम आप कर सकते हैं आप करिए, तब जाकर के आपका शरीर बहुत सुंदर बढ़िया मनुष्य का शरीर मिला है। तो अब हम आपको काज बताते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी जो है ये 24 हड्डियां काम नहीं कर रही हैं, 208 हड्डियां आदमी के हैं, 209 हड्डियां माताओं की हैं, तो ये 24 हड्डियां काम नहीं कर रही हैं। क्यों? कि ये रीढ़ की हड्डी खड़ी हो चुकी है, सब जानवर हॉरिजॉन्टल पे हैं और रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं और पेट के बल सो जाते हैं, और आदमी खड़ा हो गया है, अब ये चार टांग से नहीं चल सकता है, फिर आप उल्टे पीठ के बल लेटते हैं, सर को ऊपर सिरहाने पे रख देते हैं, हार्ट आपका पंप कर रहा है, 24 घंटे सेवा कर रहा है, ब्रेन को चाहिए 130 लीटर खून, वो मिलता नहीं, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, बालों की ताकत खत्म होगी, बाल ही गिरने शुरू हो गए, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, नेति क्रिया, प्राणायाम, नौली क्रिया, भस्त्रि क्रिया, गणेश क्रिया, गज करनी, प्रभाती क्रिया, मैंने सारे योगों को इतना फिल्टर कर दिया है कि सिर्फ 4 मिनट अगर आपके पास है, सिर्फ 4 मिनट 400 साल तक अपने शरीर को ले जा सकते हैं, अपनी इच्छा से अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। भीष्म पितामह ने भी अपने शरीर को अपने हाथ से जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ 6 मिनट तक बाण शैया पर लेटे रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है हमारे देश का। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए, योग, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम, प्राणायाम, नेति एंड नौली एंड वस्ति, सिर्फ 4 मिनट अगर आपके पास है हर रोज, तो मैं आपको 4 मिनट का बता रहा हूं, उसमें आपकी कोई तकलीफ ना, आपके बच्चे बीमार ना आप बीमार। तो अब मैं आपको रीढ़ की हड्डी का बताता हूं कि रीढ़ की हड्डी जो है कैसे अपराइट हो चुकी है, क्यों हो चुकी है, इसका हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि विकास हो गया हो गया, बिजली आ गई है, अब बिजली के बगैर आपका गुजारा नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी अपराइट हो चुकी है, अब हम चार टांग से नहीं चल सकते, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट करना, सिर दाएं घुटना बाएं करना, ये आप कर सकते हैं। तो ये आप करिए, कोशिश करिए अपने आप को बचाने की, अपने बच्चों को बचाने की, और नशों से छुड़ाने की, और वजन कम करने की, ताकत बढ़ाने की, शक्तियां बढ़ाने की, तो वो सारी इस रीढ़ की हड्डी के अंदर है। ये आपकी कोबरा पावर है, ये सांप की शक्ल है, इसके ऊपर आप बैठ चुके हैं, हर जानवर की कोबरा पावर चल रही है, पूंछ हिलाते रहते हैं, हर वक्त इस रीढ़ की हड्डी का व्यायाम करते हैं, पानी के जानवर, मट्टी के अंदर, मट्टी के ऊपर, हवा के जानवर, समुंदर भी अपनी रीढ़ की हड्डी को हिलाता रहता है, हर वक्त हरकत में बरकत है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए, 3-4 मिनट जरूर अपने रीढ़ की हड्डी को दाएं बाएं करिए और पेट के बल सोइए, फिर आप देखिए आपका रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है। कोई बीमारी लाओ, बीमारी कोई नहीं है, वहम, डर और फॉरेन मैटर, ये 3 चीजें निकाली जाती हैं, जब ये 3 चीजें निकल जाएंगी आप वेजिटेरियन हो जाएंगे, मॉरल ठीक हो जाएगा, एक माता एक नारी, तो आपका मेंटल रिलैक्स हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए जहां तक हो सके। ये आप बोलते जाना, माँ के पेट के अंदर माँ खड़ी हो गई है, सर नीचे हो गया है, तो इसके अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर और बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, पूरे आपके शरीर के अंदर पूरा यूनिवर्स है इसके अंदर। ये 2 आंख हैं, चांद और सूरज, दाई आंख सूरज है, बाई आंख चंद्रमा है। ये आपकी जो हड्डियां हैं, ये सारे धरती के बोन्स पहाड़ हैं। ये आपकी नस नाड़ियां जो हैं, ये सारे रिवर हैं। और हार्ट के अंदर समुंदर की तरह हर वक्त हिलता रहता है और खून का दौरा होता है। इस बॉडी के अंदर 2 किस्म के जानवर हैं, जर्म्स हैं, 2 किस्म के सर्वेंट हैं, एक वॉलंटरी सर्वेंट है और एक पेड सर्वेंट है। आप वो हड्डी पर भी हिला रहे थे ना? हाँ, तो ये आपकी जो 24 रीढ़ की हड्डियां हैं, इनको हमने कैसे ठीक करना है, बाकी सब हड्डियां आपकी काम करती हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी खड़ी हो चुकी है, ये एक्सल जो है ये हॉरिजॉन्टल से अपराइट हो चुका है, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा जो मैंने 7वां व्यायाम, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम, बैठ करके लेट करके उसको करेंगे तो आपके बच्चे हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, कोई बीमारी उनके नज़दीक नहीं है, क्योंकि बीमारी कोई है नहीं, खाली ब्लड शुद्ध करो, प्योर वेजिटेरियन। ओके, बोलो।
ये बोन जो है आपकी रीढ़ की हड्डी, इसकी 24 हड्डियां हैं, ये काम नहीं कर देती है क्योंकि ये हॉरिजेंटल से अपराइट हो चुकी है। करोड़ों जन्मों से हमारा, फिर हम पैदा होते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी हॉरिजेंटल पे आती है। 9 महीने तक बच्चा रीढ़ की हड्डी को हिलाता है, लेकिन हम खड़े हो चुके हैं, अपराइट हो चुके हैं, तो अपराइट होते ही ये 24 हड्डियां काम नहीं कर रही हैं। इसलिए इन हड्डियों को ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज जो निकाली है, सिर दाएं घुटना बाएं, घोड़े से लिया गया, घोड़ा उदासा क्यों, आदमी प्यासा को लूटा। उधर भी माथे पे आपने जो रखा था ना वो स्टिक, इधर 13-14 में, तो वो मेरे को क्लोजअप लेना है, देखना है। ये जो सर नीचे हो गया, इसको शीर्षासन बोलते हैं, और शीर्षासन कभी करना नहीं चाहिए। सब आश्रम में शीर्षासन करा देते हैं, पहले नेति, धोती, वस्त्री, न्योली, बजरौली, ब्रह्मदातन, कुंजल क्रिया, गज करनी, प्रभाती क्रिया, शरीर को शुद्ध करो और खाने को शुद्ध करो। शीर्षासन इज द लास्ट स्टेज, लास्ट आसना। 8400 एनिमल, 8400 पोज, उनमें से 84 योगियों ने निकाले, फिर मैंने 4 आसन निकाले, 4 भी खत्म कर दिए। अब खाली रीढ़ की हड्डी का व्यायाम है, तो जैसे भी आप रीढ़ की हड्डी को करते हैं, आप धनुरासन करते हैं तो दो सीढ़ियां खुलती हैं यहां से डिस्क, और 10-12 को नुकसान हो जाता है। फिर आप चक्र आसन करते हैं इसके उलट, तो एक डिस्क खुलती है और 10 को नुकसान हो जाता है। कोई भी आप एक्शन करते हैं साइड में, 1-2 डिस्क 3 खुलते हैं और 10-9 को नुकसान हो जाता है, और उधर भी वही पोजीशन है। फिर आपने दूसरे उधर भी पढ़ा। हाँ, तो अब आप देखिए किस तरीके से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। डेवलपमेंट हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी अपराइट हो चुकी है, तो उसे आप नाक के अंदर घी डालिए, दोनों नासिका में खाली घी डाल दीजिए हर रोज, बच्चों को, पूरी फैमिली को। 2-3 दिन के अंदर ही आपके दिमाग के अंदर शांति मिलना शुरू हो जाएगी। फिर आपने नीचे भी किया था कि वो सिंहासन का थोड़ा पोज। हाँ, ये जो पोजीशनें कई किस्म की हैं, जिधर ब्रेन जाता है उधर की खोज आदमी करता है, तो माँ के पेट के अंदर से ये सारी चीजें सीख के आ रहा है, क्योंकि आदमी ने ये डेवलप किया है। बिल्डिंगें बनानी, जमीन खोदनी, तेल निकालने, धरती के अंदर से सारा लोहा लंगड़ सब निकाले जा रहा है। नीचे का भी वो फोटो है ना उसमें, इसमें भी देखिए किस तरीके से साइड में ब्रेन जा रहा है। ये 2-2 बच्चे इकट्ठे हैं, जुड़वा हैं, तो किस तरीके से माँ के पेट के अंदर 9 महीने डेवलप हो जाते हैं। 9 महीने तक इसको खुराक चाहिए, 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आता है तो थोड़ी खुराक चाहिए, खाली 20%, और आप उस बच्चे को इतना शुगर, शहद, मीठा खिलाए जा रहे हैं, तो आज मीठे का रिजल्ट क्या है कि धरती के ऊपर एक इंसान नहीं जो ब्लड शुगर के ना हो, तो सब ब्लड शुगर से डैमेज हो चुका है। आप जो जैसे लकड़ी उधर घुमा रहे थे तो पता चले कि मैं जब वो इंसर्ट करूँ ना, हाँ, तो जैसे आप लकड़ी भी उधर, हाँ, यू नो, चलिए। हाँ, अब आप ओके। ये जुड़वा बच्चे हैं, इनको देखिए क्या पोजीशन है, एक का सर ऊपर है, एक का नीचे है, तो माँ के पेट के अंदर फिर ये हॉरिजेंटल पे है, ये शीर्षासन पे है। अभी करो उधर, उधर ही करो, पहले में इसमें, पहले नीचे था 19 में इसमें। हाँ, 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 तो देखिए अब इस बच्चे के पोजीशन क्या है, ये हॉरिजेंटल पे जा रहा है। हाँ, तो फिर धीरे धीरे और डेवलप होगी, तो माँ खड़ी होगी तो सर नीचे चला गया। अब सर नीचे चला गया तो इस ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर आदमी के कंप्यूटर, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, तो वो सारा यहाँ पर इम्प्रेशन पड़ रहा है ब्रेन के ऊपर, और इस वजह से ही आदमी जब बाहर आता है तो फिर ये खड़ा हो जाता है, सिर ऊपर हो जाता है, तो ऊपर आसमान को, चांद पर जा रहा है। कोई जानवर नहीं सोचता है, ना जानवर कोई मशीन बनाता है, ये आदमी की खोपड़ी की करामात है कि माँ के पेट से ही, जब माँ चलती है तो सर नीचे है बच्चे का, तो सारे फोटो खींच रहे हैं, जर्म जहाँ अपने अपने डेवलप कर रहे हैं ब्रेन के अंदर। जब आदमी बाहर आता है तो फिर खड़ा हो जाता है, तो ऊपर का, साइड का, हेड, शीर्षासन का, ये सारी पोजीशनें जो आपके इस समय बताई गई हैं। या
राखी नहीं मिल जा राजा बाबू कही ओके फिर वो हड़ी का दिखाना उधर ही रखना एक मिनट ओके दस गिनती करने का शुरू करो शुरू ही कर दो ओके और थोड़ा हमको लंबा नहीं थोड़ा शॉर्ट में तो फिर हम दूसरा भी कर सकें ओके ओके तो हर जानवर हॉरिजॉन्टल पे है पानी का मट्टी के अंदर मट्टी के ऊपर हवा के जानवर सब पेट के बल सोते हैं और आदमी का बच्चा भी चार टांग से चलता है पेट के बल सोता है लेकिन इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है कई मिलियन साल से अपराइट तो ये 24 हड्डियां जो हैं ये हॉरिजॉन्टल पे हैं तो ये काम करती हैं सब जानवरों की लेकिन ये ब्लॉक हो चुकी है ये ब्लॉक हो चुकी हैं थोड़ा सॉरी क्या करना पड़ेगा वो दिखाई देता है ओके अभी वापस या ओके 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस शुरू करो तो ये जो हॉरिजॉन्टल से आदमी 3-4-5 मिलियन साल से अपराइट हो गया है तो ये रीढ़ की हड्डी है ये 24 हड्डियां काम नहीं कर रही हैं ये फिक्स हो गई हैं या इधर या इधर या इधर या इधर ये चारों साइड में ये रीढ़ की हड्डी खड़ी हो चुकी है जब ये आदमी सो जाता है पीठ के बल तो सिरहाना रख के फिर उसको खून नहीं मिलता है तो इसलिए हमने कोशिश करना है कि कैसे ये एक्सरसाइज करनी है सिर दाएं घुटना बाएं और फिर पेट के बल सोना है हार्ट नीचे जाएगा तो आपको रात भर उसकी हीट मिलेगी और आपको कोई रोग नहीं रहेगा तो इस पीठ को हमने ठीक करना है ये 24 हड्डियाँ 208 हड्डियाँ आदमी की हैं 209 हड्डियाँ लेडीज की होती हैं तो इसलिए जो एक हड्डी है एक्स्ट्रा है माताओं की तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि अपने आप को अपने बच्चों को बचाइए और लेट करके घोड़े की तरह सिर दाएं घुटना पाए करिए ये एक ही व्यायाम से आपका सारा कल्याण हो सकता है ऐसे ही रहने दो बोलना तो नहीं कुछ नहीं और आए थे चले थे आपने दो हाथ से पकड़ा था या एक से क्योंकि मेरे को प्रॉपर चाहिए इसलिए हाँ तो प्रॉपर ले लो भाई ये नेति क्रिया है जो एक छोटी सी ट्यूब होती है ये नाक से जाकर मुंह से निकलती है तो ये पोजीशन में ये नेति क्रिया लिखा है ये नाक से गई और ये पास करती हुई ये मुंह से निकल आई है 99% आदमी की बीमारियां ये खत्म कर देती है क्योंकि नाक का रास्ता सांस का है और वो बंद कर ये मशरूम भरे पड़े हैं ये सब बलगम में भरी पड़ी है सब के अंदर और गेट बंद हो चुके हैं नासका से सांस किसी को आती नहीं सब मुंह खुले हुए हैं कुत्ते की तरह क्योंकि कुत्ता मांस खाता है और आदमी ने भी मांस खाना शुरू कर दिया घोड़ा डीक लगा के पानी पीता है आदमी भी डीक लगा के पीता है घोड़े की भी इंटेस्टाइन लंबी है और आदमी की भी लंबी है तो इसलिए आदमी को चाहिए सबसे पहले तो नाक में घी डाले और इस नेति को करे हमारे आश्रम पर जाइए 2-4 दिन रह करके सारी क्रियाएं सीख लीजिए लिनहम कैंट हाई फील्ड तो आप लोग कोशिश करिए इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा सेंटर जो सन 1962 से खोला हुआ है
इस नेति क्रिया से आपके सारे कई किलो बैड मैटर निकल जाएगा, हेडेक, सिर दर्द, आंखों की कमजोरी, दांतों का पैवरिया 15 दिन में खत्म। 40 दिन अगर आप नेति कर लेते हैं तो 40 साल तक आपकी एफडी फिक्स हो जाती है, कोई रोग नहीं। दमा 1 दिन में खत्म हो जाता है, खांसी, टीबी, कैंसर, हार्ट ट्रबल, सब थ्रोट की सब बीमारियां जितनी है, सब टॉन्सिल तो 1 दिन में भाग हो जाते हैं। तो बच्चों का कभी ऑपरेशन मत कराइए, कोई टॉन्सिल वगैरह मत कटाइए, कोई अपेंडिक्स मत कटाइए। तो इसलिए आप कोशिश करिए, ये फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिर आपके सारे ये टॉन्सिल वगैरह जितने भी हैं, जबान है उसकी फिर खेचरी मुद्रा है, वो आपको सिखा देंगे। तो आप लोग कोशिश करिए सिंपल वे पर, और बगैर खर्चे के, बगैर टाइम के आप सोए सोए एक्सरसाइज कर सकते हैं। सुबह आँख खुले, सिर दाएँ घुटना बाएँ करिए, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी नहीं, कब्जियाँ रहेंगी नहीं, और कच्ची सब्जी खाइए, उबली सब्जी खाइए। ओके, ये नेति क्रिया। अब ये नेति नाक से गई, ये नेति क्रिया लिखा है, ये नेति नाक से गई और धीरे धीरे मुंह से होती हुई ये बाहर आ गई। और अभी आपने ऐसा भी दिखाया था ना, वो लकड़ी से ऐसे ही। हाँ, ये जो आपके मशरूम्स हैं ये सब भरे पड़े हैं बलगम, जो आप दवाइयाँ, गोलियाँ, टीके कुछ भी लगाते हैं सब बलगम भर जाती है, वो आपके किसी भी शरीर को हेल्प नहीं करती है। इसलिए आपकी आँख, नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति इसका नाम है, पूरा नाम ही इसका नाम है, नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति। तो सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन, दमा, खांसी, हार्ट ट्रबल, दांतों का पैवरिया, सब 15 दिन के अंदर आप नया जीवन पा जाएंगे इस एक नेति क्रिया से। 10 वायु काम करेंगी, आपके जोड़ों के दर्द खत्म हो जाएंगे, गठिया खत्म हो जाएगा, सारी जितनी भी रोग हैं वो सब आपके नासिकाएं बंद पड़ी हैं, इसलिए आपका गेट मेन खुलता ही नहीं है, इसलिए आप सफ़र कर रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, ये सारे आपके जितने भी गेट कीपर 32 हैं, ये सब फिर नए सिर से ताकतवर हो सकते हैं। ओके, बोलो कि ना बोलो, अब बोलो कुछ भी, फिर बाद में हम, ये तो क्लोजअप ही है, फिर अच्छा। बाद में प्रॉपर करना है, लेना है। अच्छा, बस हाँ ऐसे बादाम की शक्ल आंख से मिलती है, इसलिए 2 बादाम हर बच्चे को, हर माता बहन को खाना चाहिए। अच्छा। ये आंख के अंदर काली मिर्च है, लेंस जो है, तो 2 काली मिर्च रोज खाओगे तो आपकी आंख कभी खराब नहीं हो सकती है। ओके, ओके, दूसरा क्या है? ये साइड में से आंख का पूरा बताया है, ये आंख को साइड में से बता दिया गया है कि किस तरीके से ये लाइट अंदर से आ रही है और किस तरीके से आंखें खराब हो जाती हैं सिगरेट पीने से, सिगरेट, बीड़ी, सिगार, पाइप, हुक्का, ये सब चीजें, सारा धुआं पहले आंख को जाता है, ये आपके फिर ऑपरेशन होते हैं, मोतियाबिंद है, दूसरा है, सारी नस नाड़ियाँ कट जाती हैं तो आप पराधीन हो जाते हैं। इसलिए एक नेति क्रिया से आपके सब रोग खत्म हो जाते हैं और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो नेति क्रिया आपने बोला ना, तो थोड़ी वो दिखा ऊपर थोड़ा, ये नेति क्रिया करने से आपके आंखों, इसका नाम है नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति, नेत्र मीन आंखों की ज्योति बढ़ाने वाली नेति है। तो ये नेति करने से बच्चों को भी करा सकते हैं, 127 साल की बुढ़िया वो भी कर रही है, 121 साल की बुढ़िया भी कर रही है, बूढ़े भी कर रहे हैं, 100-100 साल के ऊपर के सबको हमने नेति करा दिया है। ओके, अभी वो लास्ट करना है। हाँ, ये तो उसका नक्शा दिया है ना, आंख के पूरा होल, तो इसको कैसे आप सुबह पानी मुंह में भर करके और आंखों पे छट्टे मारिए पानी के। आंख की शक्ल बादाम से मिलती है, तो आंख के लिए बेस्ट बादाम है, 2 बादाम हर आदमी को रोज खाने से, गर्म करके दूध में खा जाए, बच्चों को दीजिए तो बच्चों के चश्मे उतर जाएंगे ये नेति करने से। ये आंख के अंदर काली मिर्च है, रोज 2-4 काली मिर्च खाने से बड़ों को और 2 काली मिर्च बच्चों को, तो उनके आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो
तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अपनी आंखें हैं तो जहान है, तो दाई आंख सूर्य होता है, बाई आंख चंद्रमा होता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती है। जब आप धुआं सिगरेट बीड़ी स्मैक ये सब पीते हैं तो सीधा धुआं उसके ऊपर जाता है। ये साइड में से देखिए किस तरीके से धुएं से ये सारे ऊपर बादल मोतियाबिंद वगैरह हो जाता है, ये सारी आंखें खराब हो जाती हैं। तो आप लोग हर रोज शाम को पानी मुंह में भर करके आंखों पर छट्टे मारोगे तो दिन भर का गर्दा गुबार सब धुल जाएगा, तो आंखें आपकी, फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितने पर्दे हैं इसके अंदर। तो इसलिए आंख मातृवत परदारेषु, हम पराई स्त्री को देखते ही माता बहन समझोगे तो आपको ऑपरेशन नहीं हो सकते। ऑपरेशन क्यों होते हैं? जब हम अनमॉरल चलते हैं, अपने असूलों पर कायम नहीं रहते हैं, वेजिटेरियन फूड नहीं रखते हैं, तब जाकर हमारी आंखें, हमारा दिमाग, ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहा है। किसी जानवर की आंख का ऑपरेशन नहीं होता, कोई जानवर को मोतियाबिंद नहीं होता है। उनकी रात को आंखें देखी इतनी जैसे बिलोर की तरह चमकती हैं, अंधेरे में भी वो देख लेते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट होते ही ये आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। तो हमें चाहिए ये नेति क्रिया, नाक में घी डालोगे तो इस नेति क्रिया को करोगे तो आपका फिर बच्चे जो हैं फिर 400 साल तक रहेंगे और आंखें खराब नहीं होंगी। तो ये आंखों के लिए मैंने कुछ बता दिया है, आपको इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। आँख है तो जहान है। इसी से इस कान बहरे ठीक कर रहे हैं ना। ओके, ये आपके कान हैं। कान बहुत जरूरी है। आप खाली कानों की मालिश कर दो तो आपकी कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आती है। आपका क्रोध जो है वो आपके कानों में पहुंच चुका है। कोई भी गुस्सा होता है घर में तो अपने कानों की मालिश कर दोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, ये देखिए कान का सारा सिस्टम जो है कितना सुंदर भगवान ने बनाया है, कितना सुंदर इसके अंदर मशीनरी है। तो आप सिगरेट बीड़ी शराब से नशों से आप अपने सुंदर कानों को खराब कर लेते हैं। ये नेति क्रिया जर्मनी के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिनके कान फट चुके थे पर्दे, वो नेति से फिर ठीक हो गए। 80-80 साल के बूढ़ों के कान हमने ठीक कर दी। तो आप लोग कोशिश करिए, ये नेति खाली आपको आंखें, गला, कान, लंग्स, हार्ट, किडनीज, ऑल ऑर्गन आपको ये नेति ठीक कर देती है। अगर ये नेति का प्रचार हो जाए जैसे मैंने इसका निकाला है फार्मूला, तो सारे वर्ल्ड में कोई बीमार नहीं होगा, कोई अंधा नहीं पैदा होगा बच्चा। तो ये नेति क्रिया कानों के लिए बहुत बढ़िया है। और यहाँ मसाज करिए रोज शाम को सोते समय, खाली एक बूंद घी लेकर के कानों की मालिश कर लो, फिर देखो मेरे कान कैसे हिलते हैं। ध्यान दीजिए, अब हिल रहे हैं कि नहीं, बोलो भाई। तो इनकी कानों की मालिश करोगे तो कान तुम्हारे हाथ में, सारा फर्स्ट क्लास, कभी जिंदगी में कान खराब नहीं हो सकते। अगर नेति कर लोगे तो कहना ही क्या है। इसलिए आप लोग कानों का, अपने एक एक अंग का पूरा मास्टर पीस बनिए, मास्टर बनकर अपने बच्चों को कराइए ताकि वो भी ना सफर करें। हमारा आधे से ज़्यादा टाइम दवाइयों में, टीकों में, अस्पतालों में ही गुजर जाता है, ऑपरेशन कराते कराते। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अपने हाथों से सात्विक खाना खाइए, 10 नाखून की मेहनत करके, कोई ज़्यादा लूट मार करने को मत करिए। आ गया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, ये संतों की वाणी। ओम शांति। ओके, हाँ शुरू करो। ये आपके कान हैं, ये कानों के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स हैं। इन कानों की मालिश करना, सारे ऑर्गन की मालिश करना है।
ये आपके सब फर्स्ट क्लास इतनी मशीनरी बढ़िया से बढ़िया आपके कानों की है और इसको आप ख्याल ही नहीं करते, सारी जिंदगी भर ये वॉलंटरी सर्विस करते हैं। आप सोए हुए हैं तो भी कान जागते रहते हैं और आपको बताते हैं। नासका भी आपकी बदबू, किसी मकान को आग लग रही है तो उसी वक्त खुशबू आएगी, बदबू आएगी के तो आप खड़े हो जाते हैं। तो कान और नाक और हार्ट और लंग्स ये वॉलंटरी सर्वेंट हैं, इनका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। आँखें आपकी पेड सर्वेंट है, थक जाते हैं आप सो जाते हैं, हाथ थक जाते हैं सो जाते हैं। साथ बोलूं भी कि नहीं? You know, you went from here that way. Okay. I understand. ये हैं आपके गेट कीपर, 32 थे और 32 के 32 आपने मीठा खा खा करके, ये रूट में मीठा चला जाता है तो सब दांत आपके बच्चों के भी खराब हो रहे हैं। द बेस्ट दांत वर्ल्ड के अंदर इंडियन के थे, क्योंकि इंडियन जब भी खाना खाते हैं मुंह साफ करते हैं, पेशाब जाते हैं तो भी 4-5 कुल्ले करते हैं, टट्टी जाते हैं तो भी मुंह को साफ करते हैं। ये दांत जिसके मजबूत हैं उसकी आंत मजबूत है, क्योंकि पेट में दांत नहीं है तो दांत गेट कीपर यहां पर है। इनको 32 दवा चबाओ एक गिलास को, जैसे बकरी चबाती है, बकरी की मेंगन देखो कितनी बढ़िया मोतियों की तरह होती है। तो इसलिए आप लोग 32 गेट कीपरों को चेकिंग करके फिर बॉडी के अंदर डालिए, कभी आपको कोई ट्रबल नहीं हो सकता है। ये जितने भी रूट्स आपके हैं दांतों के, ये सब के अंदर मीठा जा करके, सरद गर्म बर्फ आइसक्रीम ठंडा केक ये सब जो आप खाते हैं, चॉकलेट टॉफियां टफ कर गई बच्चों को, तो बच्चों को भी आपने ब्लड शुगर कर दिया है खाली इस मीठे की वजह से। मीठा और मीट और मछली और एंड एग्स अंडे जो हैं ये आदमी के प्रतिकूल है, आदमी के प्रतिकूल है, ब्लड के प्रतिकूल है। कोई ग्रुप ब्लड नहीं मिलता अंडे का हमारे साथ, कोई चिकन का नहीं ब्लड मिलता है। इसलिए अगर दांत ठीक रखने हैं तो मीट अंडा मछली मीठा कोको कोला फेंटा लमका डबल रोटियां मैदे की चीज़ें तली हुई चीज़ें अचार खटाइयां सब छोड़ दो, फ्रूट भी छोड़ दो, 10 दिन के बाद आपके दांत लोहा होने शुरू हो जाएंगे। आप खाली आप केयर नहीं करते, थोड़ा सा केयर करिए तो आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा, इसके भी ऑपरेशन नहीं होंगे। ये मैदा भी आपका, ये पंक्रियास सारे काम नहीं कर रही हैं, ये सारी अंतड़ियों में गांठें बन चुकी हैं। उसके लिए मैं अगले कैलेंडर में बताऊंगा कैसे आप करें, 2 मिनट के अंदर आपकी कब्जियां ख़त्म, हमेशा के लिए आप सुखी हो जाएंगे। तो ये दांतों के रूट्स जो हैं, निकलवाइए नहीं दांत, ज़रा सा दर्द हुआ या कोई तो डॉक्टर ने तो 5 पाउंड लेने हैं एक दांत निकालने के और आपका सत्यानाश हो जाता है, 32 के 32 आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, एक काली जीरी होती है उसको चबा लो, उसी वक्त दर्द खत्म। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लौंग का तेल लगाओ, एक बूंद लगाते ही दर्द खत्म हो जाएगा। एक लौंग मुंह में रखिए, 4 काली मिर्च मुंह में रखिए तो आपको गैस वगैरह दांतों का दर्द सब खत्म हो जाए। मीठे से और फल से परहेज करिए, ये बड़े पॉइजन है। और आप भी नमक इतना खाते हैं आपका बैलेंस ही नहीं हो रहा, खाने का बैलेंस नहीं है। मीठा खाते हैं फिर नमक खाइए, नमक खाते हैं फिर खट्टा खाइए, खट्टा खाते हैं फिर अचार खाइए, अचार खाते हैं फिर मीठा खाइए। तो भोजन के साथ फल और जल दोनों करें शरीर निर्बल। भोजन के साथ कभी फल नहीं खाना है, ना मीठा खाना है, ना जल पीना है, बादे तमाम मेवा हराम।
मैं सारा वर्ल्ड जो घूम के आया हूँ, सब कंट्रियों को देखी है, तो बढ़िया से बढ़िया नई रिसर्च करके आपको दी है। दांत मजबूत कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक लेके उसमें सरसों का तेल डाल के दांतों पर मल दी, 3 दिन मलने के बाद आपके दांत लोहा होने शुरू हो जाए। तो आप लोग कोशिश करिए, दांत, आंत, माथ, नाक और आंख, ये पांचों का एक ही कनेक्शन है, तो पांचों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाक के अंदर घी डालिए, दांत बड़े मजबूत हो जाए। नमक से मालिश करिए, दांत आपके मजबूत हो जाए। कच्ची सब्जी खाइए आप, दोपहर को धूप निकले गाजर मूली शलगम खाइए, फर्स्ट क्लास दांत। जो खाए चना वो रहे बना, काला चना, मोया सोयाबीन, मूंग, ग्रीन मूंगी, मोठ, कितनी बढ़िया से बढ़िया हमारे पास खाने की चीज़ें हैं। और आप बच्चों को पैसे दे देते हैं, वो चाहे सब बाजार में से चॉकलेट और सारी चीज़ें टॉफियाँ ला कर सब सत्यानाश। इसलिए आप दांतों का आप ख्याल करिए, दांत मेन चीज़ है गेट कीपर आपके। तो आप लोग कोशिश करिए, दांत हैं तो स्वाद है। ओम शांति। ओके, तो आप पहले ऊपर का वो उधर ही थोड़ा, एक मिनट उधर, आप जब जीते थे ना पहले, नहीं हाँ हाँ, फिर आप दूसरे में जाए, हाँ ओके, अभी हाँ अभी हाँ बीच में फिर आप हार्ट भी दिखा रहे हैं। मैं थोड़ा हार्ट का क्लोजअप करता हूँ, बोलता भी चलूंगा, नहीं बोलना है तो हाँ कोई बात नहीं। हार्ट को अगर ठीक करना है तो इसको कोशिश करो, इसका रिदम खराब मत करो। चाय पीने से इसका रिदम खराब हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, हार्ट में दर्दें शुरू हो जाती हैं, फिर आप नीचे, फिर आपका मैदा खराब हो जाएगा। जितनी भी शार्प चीज़ें आप खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, खाओगे करी हो जाओगे वरी, फिर आपकी ये इंटेस्टाइन जा रही हैं आगे, ये किडनी वगैरह देखिए, ये इंटेस्टाइन देखिए, ये मलाशय है, बवासीर, भुगंदर, नासूर, कितनी खराब से खराब बीमारियां आपके नज़दीक आ जाती हैं। फिर ये देखिए रूट सब खराब हो रहे हैं, आपके दांत सब बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अपने दांतों की हिफाजत खुद करिए। और वो हाँ ये नेति क्रिया लिखा हुआ है, और ये नेति नाक से गई और मुंह से होती हुई ये बाहर निकलती है। तो ये एक छोटी सी ट्यूब होती है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। इसके करने से आपके सारे जितने भी 2000 पॉइंट हैं वो सारे खुल जाते हैं, फिर आपका ये ऐसे लंग्स क्लियर हो जाते हैं। नेति करने के बाद आपका प्राणायाम, प्राणायाम से 80 के 80 लाख सुराख फेफड़ों को खुल जाते हैं, और ये आपके फेफड़े पोल्यूशन से भरे पड़े हैं, फैक्ट्रियों के धुएं से, गाड़ियों के धुएं से, घर की गैस से, गर्दे गुबार से, तो ये आपके भर चुके हैं। इन सब को साफ करना है तो पहले, सबसे पहले नेति करो। नेति करने से आपका सारा कूड़ा कबाड़ निकल जाएगा, फिर 10 वायु काम करेंगी तो ये सारे आपके जितने अंदर के सिस्टम हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। अब गाड़ी अंदर से ठीक होगी, फेफड़े वॉलंटरी सर्वेंट हैं, आप इनको सिगरेट के धुएं, बीड़ियां, गांजा, भांग, चरस, पाइप, सिगार पीते हैं, किस लिए? हवा मुफ्त में है और फ्री है, उस हवा को आप मोल लेके पीते हैं, इसलिए आप टीबी, दमा, कैंसर, ये लंग्स ट्रबल, ये सब हो जाता है। इसलिए एक ही नेति क्रिया आपके बहुत बढ़िया करेगी, नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति। तो आप लोग कोशिश करिए, फिर आप ऑपरेशनों से बच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऑपरेशन तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप खाना भी चक्कू छुरियां से खाते हैं, हर तरफ आप चक्कू छुरियां इस्तेमाल करते हैं, फिर वो वापस आते हैं तो आपके सब ऑपरेशन होते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अपने फेफड़ों को बचाइए, नाक से सांस लीजिए, नेति करिए, नेत्र ज्योति प्रकाशनी नेति इसका नाम ही है।
99% 99 पॉइंट आप आदमी ह्यूमन की बीमारियां खत्म कर देती है। तो आप लोग कोशिश करिए जहां तक हो सके अपने बच्चों को भी बचाइए इस नैतिक क्रिया से। रूमेटिज्म, इशिया, दर्दें, फेफड़ों के हार्ट ट्रबल सब खत्म। एक हफ्ते के अंदर आप नया जीवन कायाकल्प कर लेंगे आप। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए, ये नैतिक क्रिया बहुत बढ़िया है। हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों आदमी को मैंने कराई वर्ल्ड के अंदर, सारा यूरोप, सारा एशिया, सब तरफ मैंने सेंटर भी खोल दिए। वहीं कंट्री के उन्हीं नौजवानों को सिखाकर वही योगा टीचर बन जाते हैं। बड़े बड़े बुच्चड़ हाउस बंद हो गए। बाप ने बुच्चड़ खाना खोला हुआ था जर्मनी, उसने कहा मेरे बेटे को योगी बना दो, ये लो आज के बाद बुच्चड़ खाना ही नहीं खुलेगा। तो आप लोग कोशिश करिए बच्चों को मीट, अंडे, चॉकलेट, टॉफियों से बचाइए। और फिर ये एक्सरसाइज कराइए, नाक में घी डाल दीजिए। खाली घी डालने से उनका पूरा रिलैक्सेशन हो जाएगा, बलगम निकल जाएगी, ये सब मशरूम भरे पड़े हैं, नासिका बंद पड़े। अभी जो दिखा रहे थे ना वो लास्ट, वो दूसरा और राइट में है ये, हाँ। ये ऊपर के फेफड़े खाली काम करते हैं, सांस आता है खाली 20%। ये नैतिक क्रिया है जिसके करने से ये आपके सारे फेफड़े वगैरह सब 80 लाख सुराख काम करते हैं। ये 60 लाख नीचे के बंद पड़े हुए हैं। जब 20 लाख सुराखों से आप 100 साल तक जाते हैं तो नीचे के 60 लाख खोल लो तो 300 साल और, फिर ये आपके सारे फेफड़े, दमा, खांसी सब खत्म, हार्ट ट्रबल, ये सब आपके 10 वायु काम नहीं कर रही है। फिर ये देखिए सारे आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे ठीक। तो आप लोग एक एक कमरे को सफा करिए, पूरी बिल्डिंग आपकी सफा हो जाएगी। अभी वो अगर आप अपने हाथों से खाना खाएंगे और घर में खाना बनाएंगे, माताएं बनाएं, उसके ऊपर नजर ना जाए कि किसी की, आप बाजार में केक और सब ढाबे में और आप सब जगह होटलों में जाके खाना खाते हैं और फिर चक्कू छुरियां इस्तेमाल करते हैं, अगर नेति कर लोगे एक ही तो आपको इन चक्कू ऑपरेशनों से बच जाओगे। ये सब आपके बॉडी को काट पीट करके 9, 2, 11, 12, 6, 18 कर दिया है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को बचाना है तो ये आप बिल्कुल वेजिटेरियन फूड, क्योंकि जो मीट अंडा है वो चक्कू से काटे जाते हैं और चक्कू मार मार के उनको दर्द होती है, वो दर्द आपकी फिर यहाँ आ जाती है। एक मुर्गे को आप काट दीजिए सर, 3 घंटे तक वो मरेगा नहीं, तड़फता रहेगा, उसकी जो तड़फन है, दर्द है, बकरे की, भेड़ की, कोई भी जानवर है तो वो उसकी मीट के अंदर रहती है, तो जहाँ वो मीट जाएगा उसको भी चक्कू लगेंगे, कटेंगे। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए अपने बॉडी को, उन डॉक्टरों को मदद करिए, दिन रात डॉक्टर आपकी हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर इज ए सेकेंड गॉड, बट वो रियल डॉक्टर होना चाहिए, ऑपरेशन ना हो, बगैर ऑपरेशन के वो ठीक कर दें तो सबसे बेस्ट डॉक्टर है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए अपने शरीर को बचाइए, जो मुसीबतें, एक्सीडेंट, ये वो सब आपका अपने कर्मों के हिसाब है, जैसी करनी तैसी भरनी। बाहर आप रेड लाइट होती है तो गाड़ी खड़ी कर देते हो, तो रेड मीन मीट, येलो मीन अंडा और ग्रीन मीन वेजिटेबल, ना बाहर एक्सीडेंट ना अंदर एक्सीडेंट। तो आप लोग कोशिश करिए अपने शरीर को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए और वेजिटेरियन हो जाइए, और एक माता एक नारी, बस बात खत्म हो गई।
हमेशा के लिए आपकी गारंटी है. फियर, डर, ये सारे जितने भी फॉरेन मैटर आपके अंदर जाते हैं तब आपके ऑपरेशन होते हैं और कटते हैं, और कई कई साल आप अस्पतालों में पड़े रहते हैं. इसलिए आप लोग कोशिश करिए, वेजिटेरियन, घर को हेवन, स्वर्ग बनाइए. अगर आप नेति कर लेते हैं तो आपके फेफड़े सारे काम करते हैं, हार्ट काम करता है, फर्स्ट क्लास चलते हैं, उनकी रिदम ठीक है, फिर आपको ऑपरेशनों की जरूरत नहीं है. कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये आपका मीट, अंडा और मछली जो आप खाते हैं, आ गया सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर, ये संतों की बाणी. तो आप लोग कोशिश करिए, अपने आप को आदमी मानव बनाने की कोशिश करिए. आदमी बनने में जब मुश्किलें पेश आने लगी, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान हो गया. इसलिए आप लोग कोशिश करिए. जानवर जो हैं वो खुदा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं. आप उनको मार करके अपने बच्चों को आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, कभी हो नहीं सकता. इसलिए आप लोग कोशिश करिए, अपने हार्ट का ऑपरेशन, लंग्स हैं, गैल हैं, किडनीज हैं, ये सब आपके जो हैं ये सफ़र कर रही हैं खाली आपकी गलती से. आप अपनी गलती को ठीक करिए. ऊपर से तो नेति क्रिया है, ये आपका इन गेट, और ये फूड पाइप, मैदा, लिवर, पंक्रियास काम नहीं कर रही हैं, ये आपकी गांठें बन चुकी हैं, और इसको ठीक करने के लिए ये एक वस्ती क्रिया डायरेक्ट अनिमा है. ये आपके ट्यूब लगी हुई है, नल के पानी है, वह पानी को भरिए और इधर खोलिए और इस ट्यूब को, इसको एंड को जो है वो रेक्टम पर रखिए, गुदा पर. ये मलाशय पड़ा हुआ है जहाँ से गैस बन बन के आपको ऊपर हार्ट ट्रबल हो रहा है. तो ये दो मिनट के अंदर आपका मल सारा, ये गांठें सब बाहर आ जाएंगी. तीन चार दिन के अंदर 20-20 पाउंड वजन कम हो जाएगा. जो दुबले पतले हैं उनको शक्ति मिल जाएगी. तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए. इसका नाम है डायरेक्ट वस्ती. ये आपका नज़र आ रहा है नलका, ये पाइप है, ये रेक्टम है, मलाशय है. ये आपकी गांठें बनी पड़ी हैं, ये सब निकल जाएंगी. ऊपर से नेति, फिर वेजिटेरियन फूड, ये सारे आपके. बिटर चाय पीजिए, कड़वी चाय पीजिए, लिवर ठीक हो जाएगा, कच्ची सब्जी खाइए, पंक्रियास काम करेगी, ब्लड शुगर वगैरह सब खत्म हो जाएगी. और ये आपका मलाशय है. इस मलाशय के अंदर 14 इंच का मलाशय होता है. ये अंदर गैस बन बन के ऊपर हार्ट ट्रबल हो रही है, क्योंकि गैस ऊपर चली जाती है. इसलिए आपको ये वस्ती क्रिया डायरेक्ट अनिमा, ये एक छोटा सा ट्यूब होता है, इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं और कर सकते हैं. ओके, मैं थोड़ा क्लोज अप. आप नीचे पहले करते थे ना, यहाँ से? हाँ, पहले ऊपर से लिया था. ओके, एक मिनट. ओके, ये ऊपर से नेति क्रिया, मुंह के सब मेन गेट खुल जाएगा. ये फूड पाइप, ये आपका मैदा, जो भी आप खाते हैं पहले लिवर ले जाते हैं, इसलिए मीट, अंडा, मछली, कोई तली हुई चीज़ें, ये सब बंद करेंगे. फिर आपकी पंक्रियास काम करेगी. ये आपकी इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स है, ये आपकी गांठें बनी पड़ी हैं, ये आपका नलका है, ये एक वस्ती डायरेक्ट अनिमा है. दो दिन करने के बाद ही ये ऐसा एक ट्यूब अपने घर में लगा दीजिए, और लगाने के बाद इससे अपना करिए मेहन स्नान. नाभी पर पानी डालिए, ठंडा डालिए, ठंडे पानी से करना चाहिए. पहले आप एक दो दिन गर्म पानी से कर सकते हैं, उसके बाद ठंडे पानी में स्नान करिए, ठंडे पानी से, तो आपका बॉडी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और सब बीमारियों से आप बच जाएंगे. वापस आप वो थोड़ा उधर नल के पास, हाँ, वो पाइप थोड़ा लगा के. अच्छा, ये नल यहाँ लगा देना है, नल के साथ ये पाइप होना चाहिए. हाँ. और ये इसको रस्सी से बांध दो. बंध गया. अब ये जो पाइप है इसको अपने रेक्टम के अंदर ले जाना है. वहाँ जाकर पानी, ये पानी अंदर भरता जाएगा, ऊपर से प्रेशर से टैंक से आएगा. तो ये सारी गांठें आपकी दो दिन के अंदर 15-16 पाउंड आपका वजन कम हो जाएगा, और ऊपर को आपको मेदे शेदे सब, छोटी इंटेस्टाइन भी साफ हो जाएंगी, पंक्रियास काम करेगी. कच्ची सब्जी खाएंगे, उबली सब्जी खाइए, और चना खाइए, सोयाबीन खाइए, मीट, अंडा, मछली बंद करिए, ताकि ये फिर और गांठें ना बने. Finish. Hello. Yeah. Let's take off. Let's
बस ठीक है थैंक यू।